comma, those who were not directly connected with the formal economic system. Thus the needs of poor, senior citizens, children, etc. were neglected. And it was corrected with the emergence of welfare. It was corrected with the emergence of welfare economics, which focused on welfare needs of the whole society instead of just the production of wealth. तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अभी हम उसके ऊपर और बात करेंगे इसके बाद. एक बार मैंने कहा लिखना आपको शुरुआत कर दें, तो लोगों को लगता था इकोनॉमिक्स मीन क्या. हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि लोगों को लगता था कि एक्टिविटीज ऑफ वेल्थ विच आर रिलेटेड टू द मनी और रुपीज और सम. तो लोगों को ऐसा लगता था, या जितने भी जानकार थे या जितने थिंकर्स थे, कि सिर्फ इकोनॉमी का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से कनेक्टेड बात को करना. पर नाउ इन दीज डेज हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, और नाउ इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि इकोनॉमिक्स मीन्स क्या है. कि जहाँ पर हम पब्लिक का जितना अधिक से अधिक वेलफेयर कर सकते, जितना अधिक से अधिक मैक्सिमम टू मैक्सिमाइज उनको सेटिस्फाई कर सकते. मतलब आज के टाइम पे अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आप देखिए कि उसमें विमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ें भी इंक्लूड हैं. आप देख रहे हैं कि मतलब आपके पास एक क्वेश्चन था जो हालांकि इंडियन सोसाइटी के बिहाफ पर पूछा गया था, पर वो कनेक्टेड था विद द इकोनॉमी, कि गिग इकोनॉमी में विमेन का क्या रोल है, क्या चैलेंजेस है, गिग इकोनॉमी विमेन को कैसे चैलेंज देती, खासतौर से वर्किंग विमेन को. तो ये लास्ट आपका 2021 का क्वेश्चन है, अगर आपने ठीक से देखा होगा मेंस का, इंडियन सोसाइटी का, तो जो कनेक्टेड है. तो आज के टाइम पे इकोनॉमी मतलब जिसमें हम विमेन वेलफेयर तक की बात कर रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से कम 150-200 साल पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था. तो इकोनॉमी लगता था कि सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड है मनी से, कि हम मनी का कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर सकते हैं, या रिसोर्सेस का. पर नाउ अभी हम रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, मनी के यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी कितना बेटर से बेटर वेलफेयर, जिसे हम हिंदी में कल्याण कहते हैं, तो जनता का कितना अधिक से अधिकतम कल्याण कर सकती है. हिंदी के स्टूडेंट सीखेगा, हेडिंग डालेगा भारतीय अर्थव्यवस्था, या वही अर्थशास्त्र का अर्थ, जो भी आपको सूट करे, है ना. आप हिंदी मीडियम में बेटा, आप हिंदी मीडियम में, ठीक है. अभी हिंदी मीडियम कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, ठीक है, करेक्ट, लिखिएगा बच्चों. अच्छा, आपको बताया कि थोड़ा सा सम टाइम मैटर आपको लगेगा, इंग्लिश का थोड़ा अलग है और हिंदी का अलग है, ऐसा रहता है हल्का फुल्का, बड़ा माइनर सा. पर ऐसा नहीं कि वो चीज़ें सब उसमें कवर नहीं होंगी, सब इंग्लिश में ही होंगी. तो ये कभी कभी माइनर सा एक डिफरेंस आपको महसूस हो सकता है, पर छोड़ा किसी को कुछ नहीं जाएगा. तो लिखिएगा उसमें अर्थ, यस, अच्छा गिग. अभी आप लोग को गिग नहीं पता है, ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे वैसे, पर आपने पूछा तो मैं भी बताती. आगे आगे जाकर जब हम लोग जीडीपी वगैरह का चैप्टर पढ़ते, नेशनल इनकम का, तो उसमें वर्ड आता आपके लिए, हम लोग यूज करते बेसिकली, दैट इज गिग अर्थव्यवस्था. बिल्कुल, आपने पूछा है तो अभी सुन लीजिए.
दैट इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी. ठीक है, आपने इस टर्म को बहुत जगह पर सुना होगा, बहुत जगह पर, है ना. कहाँ पे बेटा, कहाँ पे सुना तुमने बताना. शाबाश शाबाश. हाँ हाँ, एक्चुअली इसे हम कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है बच्ची, इसे हम कहते हैं टेम्परेरी ना कहकर आप इसका एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ कीजिए इकोनॉमिकली, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसर्स. आप समझते हैं ना बेटा, फ्रीलांसर्स. ठीक है, वी आर फ्रीलांसर्स, वी ऑल द टीचर, है ना, जो हम लोग यहाँ पर टीच कर रहे हैं, हम सब, आपके सर, मैं और भी जितने भी फैकल्टीज आपके आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द यूपीएससी जितने भी फैकल्टीज हैं, दे आर द फ्रीलांसर्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ स्विगी जोमेटो वाले ही आते हैं. ठीक है, फ्रीलांसर जिसमें इट मींस, फ्रीलांसर का मतलब ही पूरा वही होता है कि जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर सैलरी या वेजेस के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, पहली चीज तो हमारी सैलरीज, आर सैलरीज आर नॉट फिक्स्ड, है ना, तो वी आर ऑन द पेमेंट मोड. ठीक है, पेमेंट और सैलरी में अंतर होता है ना, होता है ना बेटा. पेमेंट होता है क्या, आपका भत्ता. ठीक है, वेतन नहीं, वेतन होती है, यस. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो वेतन क्या होता है, सैलरी. ठीक है ना, और पेमेंट क्या होता है, पेमेंट होता है कि जो आपको उसके बदले में मानदेय है, जो आपने काम किया है उसके बदले में मानदेय जो है वो आपको मिलेगा. तो हम सब, पता है बच्चों, हम सब पेमेंट पर है, मानदेय है कि एक घंटे का आपको इतना पैसा मिलेगा. मान लो एक घंटे का आपको 100 रुपीज, ठीक है, आपने 80 आवर्स लिया तो आपका इतना इतना रुपया हो गया. आई बात समझ में. लेकिन सैलरी क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर सैलरी में काम कर रही होती, अच्छा स्मिता जी हम आपको महीने की 1 लाख रुपये सैलरी देंगे, आपका टाइम भी फिर फिक्स होगा. ठीक है, तो आपका टाइम क्या होगा स्मिता जी, आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, हमारे यहाँ पर चाहे क्लासेस हो चाहे नहीं हो, अगर क्लासेस हैं तो आप क्लासेस ले लो, अगर क्लासेस नहीं है तो आप आकर ऑफिस में कोई काम है, कंटेंट का कोई काम है, टेस्ट का कोई काम है, तो आप यहाँ पर आकर कर लो, बट आपको 10 से 6 देना पड़ेगा. अच्छा, तो मुझे भी पता है कि अच्छा 10 से 6 मुझे एक ही जगह पर काम करना है, मुझे कहीं भटकना नहीं है, और उसके बदले में मान लीजिए मुझे 50,000 60,000 1 लाख रुपये सैलरी मिल जाएगी, तो मेरी सैलरी भी फिक्स होगी. अच्छा, जब ऐसा होगा तो आपको पता है किसी कंपनी का रूल है, गवर्नमेंट रूल है, ये कंपनी लॉ के अंदर आता है कि अगर 10 से ऊपर के आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं तो आपको सारे इंश्योरेंस, ठीक है, या जितनी सिक्योरिटीज होती है वो आपको उन्हें पे करनी पड़ती है. तो अगर 10 से ऊपर एम्प्लॉयज है तो हमें क्या मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, अन्य जितनी चीजें होती हैं वो भी हमें मिलेंगी. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली हमारा फायदा है एक्चुअली, और खासतौर से अगर हम विमेन, जैसे क्वेश्चन ही जो था कि विमेन के ऊपर आया हुआ था पर्टिकुलरली, कि गिग इकोनॉमी में विमेन का क्या रोल है और क्या चैलेंजेस है. अब मान लीजिए कि मैं एक लेडी हूँ, तो मेरे लिए भी वो ठीक है बेटा कि मैं 10 बजे जाना है, मुझे पता है घर से खाना वाना बना के बच्चों को स्कूल भेज के जाना है, और 6 बजे मैं वापस घर में आ जाऊँगी, और 6 बजे का समय मैं अपनी फैमिली को दे सकती हूँ. मेरा कोई हेल्थ इश्यू है तो मुझे मिल जाएगा वहाँ से, वो भी मुझे जो सिक्योरिटीज़ है वो भी मिल जाएंगी. पर हम लोग क्या फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, इस गिग इकोनॉमी में, क्योंकि गिग इकोनॉमी में एक्चुअली जो इसका जो मतलब कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ पर ओनर चाहता है, जो मालिक है वो चाहता है कि हम कम से कम पैसों में अधिक से अधिक काम कराएं, और हम अपने सर के ऊपर एम्प्लॉयज की कोई परमानेंट बर्डन नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने एम्प्लॉयज है, इतनी बर्डन हमारे पर हो, इतनी सैलरी देनी पड़े. अच्छा, इसमें क्या है, किनको फ़ायदा होता है, जितने डायरेक्टर होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनको एक्चुअली इसमें फ़ायदा है अगर लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो. तो अब क्या होता है कि अब हमारे ना तो काम के घंटे तय, आज हो सकता है मैं 9 घंटे काम कर रही हूँ, कल हो सकता है मेरे पास 1 घंटा भी ना हो काम करने के लिए. सपोज दैट आज क्योंकि मेरे पास क्लासेस हैं, मैं फ्रीलांसर हूँ, आज मेरे पास करियर की क्लासेस है, एक्स की क्लासेस है, वाई की क्लासेस है, जेड की क्लासेस है, तो पता चला एक टाइम पर मैं 12 घंटा पढ़ा रही हूँ, उल्टा मतलब अपने फिजिकल उससे ज़्यादा, समझ रहे, उससे भी ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, तो एक्चुअली मेरे कहीं हार्मफुल भी तो है ना बेटा, क्योंकि एक घंटे तय होते हैं तो हमें आराम होता है कि अच्छा हमें 10 से 6 ही है. पर हमारे लिए कंडीशन क्या है, हम ही लोग अपनी बात करें, मैं कम से कम एज अ वुमेन भी और एज अ फ्रीलांसर भी जो गिग इकोनॉमी में हूँ, मैं पर्सनल बात करूँ तो कभी हमारे पर क्लासेस इतने होते हैं कि हम सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक काम करते हैं. किस लालच में, किस ग्रेटनेस में, पता नहीं कल की डेट में बैच हो नहीं हो, तो आज अगर मिल रहे हैं 4 बैचेस तो आज ले लें, बट फिजिकली तो हमें हार्म हो रहा है ना, लेकिन हमें ना चाहते हुए भी इस इकोनॉमी में चूंकि काम करना है, कमाना है, तो हमें काम करना पड़ रहा है. फिर हमारे कोई वेजेस तय नहीं है, ठीक है ना, कोई कोचिंग पर आर कितना देती है, कोई कोचिंग पर आर कितना देती है. अच्छा, दूसरा
क्योंकि हमारे इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है। अगर हम पर्टिकुलर कहीं एम्प्लॉई होते हैं तो आपको पता है ना कि आपको एक कॉल लेटर मिलता है जिसमें आपके पैसे लिखे होते हैं, आपके काम के घंटे लिखे होते हैं, बाकी जो आपकी सुविधाएं हैं वो लिखी होती हैं। हमारे साथ वो भी नहीं है। अब पता चला हमारी बातचीत तय हुई 1000 रुपये घंटे पर, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और मान लीजिए बाद में हमारा हुआ 90,000, तो मोस्ट ऑफ द अकेडमी क्या करती है, चलिए मैडम इसको 75 में नक्की करते हैं, अब छोड़िए हटाइए ये वो, बच्चों ने फीस नहीं दी भाग गए, 20 बच्चे थे आपको पता है, 50 बच्चे थे, 10 तो बिना फीस दिए भाग गए, ये है वो है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, वो भी दूसरा हमारा क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। हमने इतनी मेहनत की, सर्दी गर्मी आए पढ़ाया, और 90,000 बनना था, बाद में हमारे हाथ आया 70, और वो भी एक बार नहीं आएगा, वो भी कैसा आएगा, टूट कर आएगा। अच्छा अभी 35 ले लीजिए, चलिए फिर 35 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, बाद में 15 ले लीजिए। तो एक विमेन की अगर आप कंडीशन समझो तो कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना। एक्सप्लॉयटेशन तो मेल का भी है, पर चूंकि यूपीएससी में क्वेश्चन ही फीमेल को लेकर पूछा गया था, तो दैट इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। लेकिन इसके अपने कुछ फायदे भी हैं। एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब देखो, अब जैसे मेरी जैसी भी मैंने जो फ्रीलांसर है, अब मुझे काम मिल भी रहा है, जरूरी नहीं है कि मैं इस गिग इकोनॉमी में काम करूं, मुझे काम मिल रहा है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है मुझे, 1.5 से 2 लाख रुपए कोचिंग्स मुझे ऑफर कर रहे हैं महीने के, आप आओ स्मिता जी हमारे यहाँ काम करो। प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे अपने दो चाइल्ड हैं, मुझे उनको देखना पड़ता है, तो मैं फंसना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उनके टाइमिंग बहुत लंबे, 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, तो मुझे वो 9 to 7 की जॉब में नहीं फंसना है। अभी क्या हम फ्री हैं, अगर मेरा मन है मैंने करियर का बैच लिया, अगर मान लो मेरा मन नहीं होता, एक जनरल बात है, तो मैं छोड़ भी तो सकती थी कि सर आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, बस बात खत्म होगी, मैं नहीं ले रही, मान लीजिए एक मैं सोच ही लेती, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो अभी क्या मैं अपनी इच्छा की मालिक हूँ कि अगर मुझे लेना है तो लेना, नहीं लेना तो लेना। अच्छा दूसरा दिन किसी दिन मेरे को छुट्टी करनी पड़ जाए, मान लीजिए घर में कोई काम है तो मैं छुट्टी कर सकती हूँ, सैलरी का वो इशू नहीं है। अच्छा कोचिंग को भी दिक्कत नहीं होती है, कंपनी को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैडम कौन सा सैलरी पर है, ठीक है 2 दिन की छुट्टी हो गई होगी, तबियत खराब है कहीं जाना था, कोई बात नहीं 2 दिन बैच आगे बढ़ जाएगा, बात समझ लेना। तो उनको भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, ठीक है हमें कौन सा पैसा पे करना है, अभी हम सैलरी पर हो तो उन्हें लगेगा एम्प्लॉय ने 2 दिन की छुट्टी कर ली आपका पैसा कटेगा, तो हम भी कैम फ्री है। और दूसरा इसके साथ अगर हम कोई और काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि स्विगी और जोमेटो, ओला एंड उबर। तो वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में 5 से 6 बजे से लेकर अपनी कैब चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं ओला उबर वाले, 10 से 5 से 6, फिर कहीं जॉब करते हैं, 20-25 हज़ार कमाते हैं, फिर 6 बजे के बाद 2 से 3 घंटे की राइड लेते हैं, और फिर इस तरीके से वो 9 बजे घर पहुंच जाते हैं। कितने ओला उबर वाले मेरे को मिले जो ये बताते हैं कि हम 10 से 6 की जॉब भी करते हैं मैडम, और मॉर्निंग और इवनिंग हम ओला और उबर चलाते हैं, कई लोग तो फुल नाइट भी चलाते हैं, होल नाइट या 11-12 बजे तक, तो उसमें हम 15-20 हज़ार कमा लेते हैं, जहाँ पर ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है वहाँ 20-25 हज़ार मिल जाता है, तो इस तरीके से हम 40-50 हज़ार पर महीना कमा लेते हैं और सही तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं। तो इसका एक अपना बेनिफिट भी है बेटा, कि आज हम भी सोचें कि मान लीजिए हमारे मॉर्निंग के बैच हैं और इवनिंग हमें कुछ और करना है, सपोज अपने घर में ट्यूशन लेना है, कंटेंट का कोई काम हमें करना है, तो हम कर सकते हैं, उसके बदले में हमें अच्छी कमाई हो जाएगी क्योंकि हम किसी एक जगह पर बंधे हुए नहीं है, है ना। लेकिन उसका नुकसान भी ये है कि एक्सप्लॉयटेशन भी है, क्योंकि काम के घंटे तय नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है हमारे साथ, लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो दैट इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी बेटा। तो आज के टाइम पे ये टर्म बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है गिग इकोनॉमी, मतलब यूपीएससी तो जमकर और धड़ल्ले से इसको पूछ रहा है, करंट में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, इंटरव्यूज में आपसे, और खास तौर से उसमें विमेन के रोल को। तो वही अभी हम जो बात कर रहे थे कि जैसे कि अब इकोनॉमी का जो मतलब मोटिव है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो क्या बन गया है कि अब वेलफेयर, कि आप कितना अधिक से अधिक वेलफेयर कर सकते हैं, वो अब इकोनॉमी का मोटिव है, ये नहीं कि आप कितने से कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और पैसा कमाकर उसका कितना यूज़ कर सकते हो। उल्टा आज के टाइम पे हम इकोनॉमी में क्या मानते हैं कि अगर हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं है तो पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और दैट्स वाई अगर हम HDI जैसा पैरामीटर लेते हैं तो हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसा इंडेक्स भी मेजर करते हैं, है ना, कि खुशहाली कितनी है। पैसा तो है आपके देश के पास, लेकिन उतना पैसा होने के बाद क्या आपके देश के लोग, आपकी कंट्री के लोग वो हैप्पीनेस फील करते हैं? जस्ट वही बात जो आज हमारी फैमिली में चल रही है, पैसा है लेकिन क्या अपने बच्चों के लिए समय है? अगर बच्चों के लिए समय नहीं और पैसा बहुत है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। हम लोग सब आज जस्ट ऑपोजिट मान रहे हैं, है ना, लेकिन पैसा कम है लेकिन आपके पेरेंट्स के पास आपके लिए समय है,
तो आपके लिए भी फार बेटर चीज वही है कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को मुझसे मतलब है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ। और बजाय आपके हाथ में एक एटीएम थमा दिया जाए, फील करके देखिए लाखों रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े हों लेकिन आपको पूछने वाला कोई ना हो कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप ठीक हो कि नहीं हो, और आप फील करके देखो। वो पैसा शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा जब आपको फ्रीडम मिली होगी, लेकिन थोड़े दिन रुकेगा वो पैसा खुद आपको काटेगा। आपको फील होगा कि हमें कोई पूछे, हमें भी कोई डांटे, हमें भी कोई दो गाली दे, पूछे कि आप इतनी रात तक कहाँ थे। आई बात समझ में? तो सेम एज इट इज अप कंट्री में भी वही चीज मानी जाती है कि एक्चुअली हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ पैसे से कनेक्टेड नहीं है, हैप्पीनेस का मतलब है आपका टोटल ओवरऑल वेलफेयर, जो पैसे से आता जरूर है पर पैसे से इतर मतलब अलावा भी उसमें कुछ चीजें चाहिए होती है। तो लिखेगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स उसी के आगे लिखेगा, लिखे अर्थशास्त्र, लिखना बच्चों अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इंग्लिश का मैं लिखवा चुकी थी बेटा, जो इंग्लिश के बच्चे किसी से लेकर तब तक लिख लो। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत उत्पादन उपभोग विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता था परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में अन्य कई व्याख्याएं जुड़ गई हैं और आज अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य लोगों का अधिक से अधिकतम कल्याण करना है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा बच्चों हिंदी के। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है जो ग्रीक भाषा के ओइकोनोमोस शब्द से बना है जिसमें ओइकोस का अर्थ घर या आवास तथा नोमोस का अर्थ कानून है। अर्थशास्त्र में मनुष्य अपने
सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा, अपने सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके, धन का विभाजन करके अपनी असीमित इच्छाओं, अपनी असीमित इच्छाओं, अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होने के, की पूर्ति से संतुष्ट होने के विषय संबंधी अध्ययन करते हैं, के विषय संबंधी अध्ययन करते हैं। तो हमने देखिएगा लास्ट जहां पर टॉपिक छोड़ा था, इंट्रोडक्शन लिखवा के हम उसी के आगे बढ़ते हैं। और लास्ट जब हमने टॉपिक छोड़ा था तो हमने प्रोडक्शन पर बात की थी, बच्चों याद है, हमने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की थी जिसमें हमने प्रोडक्शन की बात भी की थी, अर्थात उत्पादन। और मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड जुड़ता है डिमांड, शाबाश, या फिर मांग से, करेक्ट है ना। हम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की थी कि ये डिमांड से जुड़ता है या फिर मांग से जुड़ता है, ठीक है। और हमने ये भी बोला था कि प्रोडक्शन हमेशा दो ही चीजों का होता है, यस यस यस, या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का। मैंने बोला भी था आपको कि आप कोई भी सेगमेंट मुझे बता दो, है ना, तो या तो मैं उसे गुड्स में डाल दूंगी या तो मैं उसे सर्विसेज में डाल दूंगी, पक्की बात है। और आपकी लाइफ में भी जितनी चीजें हैं वो या तो गुड्स हैं फिर या तो सर्विसेज है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, और इकोनॉमी में इसी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स मींस उत्पाद, ठीक है। तो या तो इकोनॉमी में आप प्रोडक्ट वर्ड यूज करोगे, उत्पाद वर्ड यूज करोगे, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग यूज करना है तो आप गुड्स और सर्विसेज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ उत्पाद है। यहां पर जो मैं सेवा दे रही हूं ना बेटा, वो भी एक उत्पादित तो है, क्योंकि यहां पर भी एक सेवा का उत्पादन हो रहा है, वो आपको शिक्षा देना, ठीक है। और आप भी एक प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हो, वो है नॉलेज, जो सर्विसेज के फॉर्म में ही है। तो आप अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां पर नॉलेज को जनरेट कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन को दो घंटे बैठकर जनरेट करने का काम करोगे। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट मैटर कि ये अमूर्त है, ठीक है, मतलब ये दिखाई नहीं दे रही है, ये बात पक्की है। तो कुछ चीजें हमें दिखाई देती, ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है ना, ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, बहुत सी चीजें जो यहां पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो आप ले रहे हो और जो मैं आपको दे रही हूं वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका उत्पादन इस क्लासरूम के अंदर हो रहा है, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उत्पाद दो कौन कौन से हो गए, या तो हो गए गुड्स जिसे हम वस्तुएं कहते हैं, या हो गई सर्विसेज जिसे कि हम यहां पर सेवाएं कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन किया था, और मैंने बताया था इसके भी अपने अपने दो पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक तो जनरल हो जाता है जिसे हम सामान्य कहते हैं, सामान्य वस्तुएं जनरल गुड्स, या फिर लग्जूरियस या सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, लग्जूरियस या सोफिस्टिकेटेड जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। और इसी प्रकार से सेवाएं भी बच्चों हमेशा दो तरीके की होती हैं, या तो जनरल या तो सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो या तो सामान्य सेवा होती है या तो विलासिता की सेवा होती है। और मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था, ये डिपेंड करता है, दिस इज द डिपेंड्स ऑन अस, दिस डिपेंड्स ऑन अस, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस वस्तु की या किस सेवा की डिमांड करते हैं, किससे, सरकार से। और हम जिस चीज की डिमांड करते हैं, आप देखना सरकार हमें पलट कर वही देती है, ठीक है, पक्की बात है। आप एकदम इस बात में बिल्कुल क्लियर हो जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप क्लियर होकर 10 एग्जाम्पल अपने माइंड में जनरेट कर लो, हम क्या मांग रहे हैं, सरकार हमें क्या दे रही है। एग्जैक्ट सरकार वही दे रही है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, और जिसकी हम डिमांड नहीं कर रहे, देख लीजिए सरकार वो हमें देने की कोशिश भी नहीं कर रही है। कितने लोग हैं जो पॉल्यूशन के विरुद्ध उठकर खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दे तो,
कितने लोग हैं दिल्ली में जिन लोगों ने कोई आंदोलन किया, कोई एजिटेशन किया, लेकिन अगर अगर हिट एंड रन केस आया और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हुई, उन्होंने अपनी मांग को उठाया कि नहीं नहीं 10 लाख का जुर्माना, इतनी लंबी जेल, इतनी लंबी कैद, हिट एंड रन केस में हम कहाँ से देंगे, हम तो गरीब ट्रक ड्राइवर्स होंगे, ऐसा है वैसा है। तो देखिए सरकार को दबाव में आकर उसे वापस लेना पड़ गया ना। अगर इतने ही लोग पॉल्यूशन के लिए इसी दिल्ली में उतर आए तो पॉल्यूशन के लिए भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर हम लोग भी मजे से क्या है, हम भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअली एनवायरनमेंट की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है वो तो बाहर है, पॉल्यूशन तो बाहर है, इस रूम के अंदर थोड़ी ना है, हम क्यों पागल हों, मेरे घर के अंदर थोड़ी ना है। और फिर क्या है, मैंने तो एयर प्यूरीफायर लगवा लिया है, 7-8 हज़ार का आता है, भाड़ में आए, एनवायरनमेंट में कौन मेरा कब्जा है। बात समझ में आई ना बात, तो वही चीज है। तो इसीलिए देखिए आप जो सरकार से मांग रहे हो सरकार वो दे रही है, और जो आप सरकार से नहीं मांग रहे हो सरकार नहीं दे रही है, है ना। अनदर सेंस में मत लीजिएगा, सरकार राम मंदिर भी दे रही है क्योंकि हमें राम मंदिर की नीड थी, ये सच्चाई है। मैं बिल्कुल भी इसे अनदर सेंस में नहीं बोली ना, मैं पॉलिटिकल पर्सन हूं, पर सोचने और विचारने की बात, हमें राम मंदिर भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम राम मंदिर चाहते थे, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। पार्टी पॉलिटिक्स आप जानते हो, पॉलिटी आप पढ़ते हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो मोस्ट ऑफ दी जितने सनातन हिंदू हैं वो राम मंदिर चाहते थे, और ये क्लियर था जो राम मंदिर बनाएगा वो जीतेगा, ये बात बिल्कुल तय थी। तो राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को इनॉग्रेशन उद्घाटन है और जगह जगह पर उसके लिए पाठ पूजा हो रही है पूरे देश के अंदर, और हम सब भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड पूरी हो रही है, समझ रहे हैं, और जब हमारी डिमांड पूरी होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए ये समझदारी हमारी है कि हम सरकार से क्या मांगते हैं तो सरकार एग्जैक्ट वही हमें देती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का रूल कहता है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन का रूल कहता है, समझ रहे हैं, सरकार वही जो लोगों की इच्छा की पूर्ति करे। सही सरकार वही होती है बेटा जो सरकार लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, तभी तो आगे चुनाव में उसके जीतने के चांसेस बनते ही बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल तय है, आई बात समझ में। अभी हमारे पर डिपेंड करता है कि हम क्या मांगने वाले हैं सरकार से, सामान्य मांगने वाले हैं या विलासिता की वस्तुएं मांगने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, पर अगर उनकी संख्या ज्यादा होती तो बाबरी मस्जिद बनती, वही एग्जैक्टली बेटा। डिमांड कितने लोग उसकी डिमांड करते हैं बेटा, बात समझिएगा, दो लोग हीटर मांग रहे हैं, बाकी के 20 लोग हीटर नहीं मांग रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अगर 20 लोग हीटर मांगे और दो लोग बोले हमें हीटर में सफोकेशन होता है, मैं आपको लिख कर दे रही हूं 20 लोग के बोलने पर इस क्लासरूम में हीटर लग जाएगा। डिमांड कितने लोग करते एग्रीगेट, एग्जैक्टली, ये हमारे घर की डिमांड नहीं है बेटा, ये देश की डिमांड है। आप क्या मांगते हो सरकार से, एक साथ मिलकर हम क्या मांग रहे हैं, है ना। आप देखिए बड़ी छोटी सी बात है, आज के टाइम पे ट्रेनें लेट हो रही हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ट्रेनें लेट होती हैं, अभी भी सर्दी के दिन चल रहे हैं, जबकि आपको पता है जापान में, फ्रांस में, चाइना में ऐसे यंत्र लग गए हैं कि फॉग होने के बाद भी वहाँ ट्रेनें लेट नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए वो सिस्टम अभी तक नहीं आ पाया, लाख सरकार के कहने के बाद भी फ्लाइटें तक विलंब हो रही हैं, फ्लाइटें तक लेट है। चलिए फ्लाइट का तो चलता है कि ऊपर का एटमॉस्फेयर है, पर ट्रेनों के लिए हम ऐसे यंत्र लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन को तो सिर्फ सिग्नल ही चाहिए, तो सिग्नल मिलते हुए ट्रेनों को तो चलते चले जाना है, लेकिन उसके बाद भी 25-25 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं, दो दो घंटे, दो दो दिन ट्रेनें लेट चल रही हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिएगा हम में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली सरकार से ये मांग रहे हैं कि ट्रेनें लेट ना हो, कितने लोग हैं। हम क्या मांग रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग जो मांग रहे हैं, देखिए सरकार वो पूरा करके दे रही है, हमें बेटर से बेटर ट्रेनें चाहिए लुक वाइज। तो सरकार लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस दे रही है ना, लेकिन वो वंदे भारत आने का भी आपको फायदा क्या मिलेगा, वो बुलेट ट्रेन आने का आपको फायदा क्या मिलेगा, जब सर्दी के 2 महीने आपकी ट्रेनें लेट होंगी तो आपको उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए वही बात है, हम सरकार से ये नहीं मांग रहे कि देखिए हमें नई ट्रेनें नहीं चाहिए, ट्रेनें वो ही बढ़िया हैं जो चल रही थी, हमें बस ये चाहिए उसमें स्वच्छता अच्छी हो, हाँ सर्विसेज, हमें ढंग का खाना मिल जाए और ट्रेनें बस टाइम पर पहुंच जाए, ये 3 चीज़ें हमें मिल जाए तो बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर
खत्म हो जाएंगी। लेकिन लोगों की डिमांड क्या है, हमें तो टीवी चाहिए। अगर हम फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं, सेकंड एसी में सफ़र कर रहे हैं, तो हमें ये फैसिलिटी चाहिए। तो आप देखिए, जो फैसिलिटी मांग रहे हो सरकार किसी ना किसी तरीके से उसे पूरा करके हमें थमा दे रही है। बाकी जो हमारी बेसिक सर्विसेज जिसे हम जनरल कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही है। हम डेंगू और चिकनगुनिया से आज भी लाखों लोग इस देश में मर जा रहे हैं, टाइफाइड से लाखों लोग मर जा रहे हैं, एनीमिक होकर विमेन ड्यूरिंग डिलीवरी इस देश में लाखों महिलाएं मर जा रही हैं। कोई बात नहीं, पर हम तो सरकार से कुछ और ही डिमांड कर रहे हैं। हम तो सरकार से कहीं नहीं रहे कि कम से कम आप सबसे पहले चिकनगुनिया और डेंगू को ख़त्म कीजिए, मलेरिया को ख़त्म कीजिए। हम इसकी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो हम जो डिमांड सरकार से करेंगे, आप बिल्कुल, मैंने बोला ना, आप आराम से सोच लो मेरी बात के ऊपर, घर जाकर और आज विचार कर लेना। आपकी ड्यूटी भी है विचार करना, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आम लोग नहीं हो आप लोग। अगर आप अपने आप को आम समझते हो, उसमें गलती हमारी नहीं है। हम तो आपको बहुत स्पेसिफिक समझकर बात कर रहे हैं, तभी इतने हाई लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही में से कल की डेट का कोई ऑफिसर बनने वाला है, तो आपको तो सब चीज़ें सोचनी है। तो आप सोच कर देख लेना, घर में मैडम क्या बोल रही थी कि बात तो बिल्कुल, उसमें पर्सनल मत होना कि मैंने क्या मांगा, जो इस बच्चे ने बोला एग्रीगेट है वो, फिर चाहे उसमें वो आपकी डिमांड थी चाहे नहीं थी। जैसे इस बच्चे ने बोला कि कुछ लोग राम मंदिर चाहते थे या नहीं चाहते थे, मुद्दा वो नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल राम मंदिर चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात मेरी नहीं हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है, कि मैं चाहती थी कि नहीं चाहती थी, आप मुझसे प्रश्न करो, और मैं तुम पर पर्सनल अटैक करूं कि तुम चाहते थे कि नहीं चाहते थे, यहां तुम्हारा और मेरा मुद्दा ही नहीं है। वी आर फ्यू पीपल, कुछ भी नहीं हम लोग इस देश के अंदर, अरबों लोग हैं, और अरबों में से करोड़ों लोग चाहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। वही सरकार हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगी जो राम मंदिर बनाकर देगी। उन्होंने कहा रामलला की स्थापना करेगी, जो सरकार रामलला की स्थापना करेगी वही सरकार सबसे बेहतर सरकार होगी। और देखिए, सरकार ने बिल्कुल उसी हिसाब से काम करना शुरू किया, चाहे वो योगी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो, उन्होंने उसी परसेप्शन से काम करना शुरू किया, लोगों के मूड को पकड़कर काम करना शुरू किया, और लगातार वो सरकार जीत भी रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है हमारा मूड पूरा हो रहा है, चाहे महंगाई पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, चाहे भ्रष्टाचार कम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, चाहे पॉल्यूशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे अपराध बढ़ रहा है, उससे लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को दिक्कत जो थी वो लोगों की पूरी होती उनको दिखाई दे रही है। आई बात समझ में? तो यही पॉइंट है। तो इसलिए हमारी समझदारी क्या होनी चाहिए कि हम सरकार से हमेशा उन वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करें जो बेसिक नीड्स को पूरा करें, जो हमारे बेसिक डेवलपमेंट को अपग्रेड करें। समझ जाना, क्योंकि जब तक लोगों का बेसिक डेवलपमेंट नहीं होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, पीने का स्वच्छ वाटर, पानी, फूडिंग, जब तक ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, तब तक बेटा हमारा बेसिक डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट भी कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड या स्पेशल एजुकेशन देने से पहले लोगों के पास बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। स्पेसिफिक हमें मेडिकेशन देने से पहले हमारे पास बेसिक बीमारियों के लिए दवाइयां उपलब्ध, उपचार उपलब्ध होना चाहिए। बस वही वाली ये बात है, ठीक है। अब देखिए, इसी के आगे हम बात करते हैं कि अब देखिए प्रोडक्शन है, ठीक है, अब चाहे वो सोफिस्टिकेटेड है चाहे वो जनरल है, कुछ भी ले लो बच्चों, ठीक है, पर प्रोडक्शन तो हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्शन हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट तो होगा, सॉरी कंजम्पशन तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन हो ही रहा है कंजम्पशन के लिए, है ना। अगर कंज्यूम करना है हमें तभी तो प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कंजम्पशन का कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। जो भी प्रोड्यूस होगा हम कंज्यूम भी उन चीज़ों को करेंगे ही करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस में बनता है वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, चलिए। हाँ, तो आपने पिछली बार, अब तो स्कीम देख ली होगी ना, हाँ, उस दिन याद नहीं आई, क्यों क्यों उस दिन तो याद नहीं आई, तो कौन सी स्कीम है? हाँ, तो पीएम अन्य कल्याण योजना, तो इस स्कीम की बात की थी, और मैंने आपसे सही बोला था मेट्रो स्टेशन पे, उससे दिन मिल गया होगा। मैं खुद भी स्माइल कर रही थी जाते हुए कि बच्चे आज जब देखेंगे तो कहेंगे अरे यार क्या बात है, और मतलब वो जबरदस्त स्कीम है ना, मैंने बोला था ना करोड़ों लोग उसमें शामिल किए गए हैं, 80 करोड़, ठीक है। और इसके ऊपर पूरे पूरे चांसेस हैं कि अगर आप कोई यूपीएससी दे रहा है क्या, इस साल दे रहा है क्या बच्चों, इस साल का दे रहा है कोई, कोई नहीं दे रहा आप में से, अच्छा आप दे रहे हो, ठीक है ठीक है, और आप लोग कोई नहीं दे रहा, अच्छा अभी आप लोग कुछ तो आप लोग बताते हो 12th पास ही है, फर्स्ट ईयर ही है ना, तो आप लोग मेरे ख्याल से 2 साल बाद दोगे। जो इस साल दे रहे हैं, मतलब जैसे आप दे रहे हो बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% चांसेस है कि उस स्कीम को पूछा ही
जाएगा, एक तो मिलेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ, और इस बार दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन तो इसी तरीके से बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलिए तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से हो सकता है, निवेश, निवेश क्यों किया जाता है, निवेश क्या होता है, पहले ये बताइए। अच्छा आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप भी तो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, आप प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा, हाँ हाँ प्रॉफिट के लिए कुछ ना, या कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा से, है ना बेटा। हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कहीं पर निवेश कर रहे हैं बेटा, जैसे कि आप अपने हार्डवर्क को इन्वेस्ट कर रहे हो इस क्लासरूम के अंदर, कितनी सर्दी है फिर भी आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितनी गर्मी होती है फिर भी आप आते हैं, बारिश होती है फिर भी भीग कर भी आप क्लासेस आते हैं, तो आप अपना हार्डवर्क दे रहे हो, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने हार्डवर्क को, है ना। आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी नींद को, छोटी छोटी बड़ी बड़ी इच्छाओं को आप यहाँ पर आकर निवेश कर दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ प्राप्ति चाहते हो भविष्य में। हाँ लेकिन वो प्राप्ति पैसों के रूप में ना हो, एक अच्छे करियर के रूप में हो, एक अच्छे जॉब के रूप में हो, सोशल सर्विस के फॉर्म में हो, कैसे भी हो, पर आप कुछ ना कुछ प्राप्ति चाहते हो। मैं भी आई हूँ, इतनी ठंड में आई हूँ, मैं भी पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा तो सीधा उद्देश्य वो है पैसा कमाना भाई, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है मेरे पास ज्ञान है और उस ज्ञान को मैं लोगों के बीच में बांटती हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ अर्न तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो मैं भी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर कर रही हूँ उसके बदले में मंथ के अंत में मुझे कुछ ना कुछ पैसा या अमाउंट मिल जाता है। तो हम सब जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में हम कुछ ना कुछ चाहते ही चाहते हैं, ठीक है। और फिर अगर एक व्यापारी की बात करें, एक एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो उसके तो कन्फर्मिटी है कि वो तो हमेशा लाभ प्राप्ति की इच्छा से ही काम करना चाहता है, ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है। सरकार जब इन्वेस्ट करती है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि सरकार कोई लाभ ना भी चाहती हो, लेकिन सरकार का उद्देश्य क्या है, वो है जनता का कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। तो जैसे अब हमने बात की कि जो अभी गरीबों के लिए अन्य कल्याण योजना चल रही है, तो उसके लिए सरकार का अपना कोई लालच तो नहीं है, सरकार को उससे उसके बदले में कोई पैसा तो नहीं मिलना है, हाँ लेकिन लोगों का उसके बदले में कल्याण होना है। जननी सुरक्षा योजना मान लीजिए, या जननी शिशु सुरक्षा योजना, सरकार को इसके बदले में क्या मिलेगा, एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ पब्लिक का कल्याण हो रहा है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर सरकार को प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन जब भी निजी वर्ग या प्राइवेट जितना ग्रुप है या क्लास है, अगर वो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, एक रुपया इन्वेस्ट करता है, तो वो 10 रुपये क्या बल्कि 100 रुपये की कामना के साथ इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अंबानी ने, रिलायंस ने शुरू में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट दिया, ठीक है, और जब लोगों को उसकी लत लग गई तो आज देख लीजिए कि उसके प्राइस कहाँ से कहाँ चले गए। शुरू में लोगों ने बोला क्या बात है यार, अंबानी फ्री दे रहा है चीज़ें, अंबानी इंटरनेट फ्री दे रहा है, लेकिन अंबानी बहुत स्मार्ट है, है ना, मुकेश अंबानी बहुत स्मार्ट है, उसे पता था कि पब्लिक को पहले लत लगाओ, और जब लत लगाएंगे ना तो इसी चीज़ को वो हजारों रुपए में भी खरीद कर भी इसका इस्तेमाल करेगा, और एग्जैक्ट वही चीज़ हुई। जैसे कि नशा, हमेशा पहले कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, है ना, और जब उस नशे की आदत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाता है, तो वो हजारों लाखों चोरी करके, डाका करके, हत्या करके भी व्यक्ति अपने लिए गांजा, अफीम, हशीश, हेरोइन, ये सारी चीज़ें परचेस करता है। तो इसलिए आपके पेरेंट्स हमेशा क्या सिखाते हैं, ये नहीं कि फ्री में कोई बोले तो तुम पी लो, है ना, सिगरेट बोले, टोबैको बोले, कल को शराब बोले, तो हम आपको हमेशा एक संस्कार क्या देते हैं, तो इसलिए फ्री की चीज़ ना लो ना दो, क्योंकि फ्री की चीज़ की भी कीमत आपको चुकानी ही पड़ती है। और जैसे अब अंबानी की फ्री की चीज़ की हम लोग कीमत चुका रहे हैं एक बहुत महंगे पैक्स के रूप में, तो पैक्स हमारे यहाँ पर बहुत महंगे हो चुके हैं, इंटरनेट के जितने भी पैक्स हैं आप देखिए वो बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं अन्य देशों के मुकाबले, पर अब हम लती हो चुके हैं, अब इंटरनेट के बिना हमारा काम चलता नहीं है, अब 800 का हो, 1000 को, घर में खाने को नहीं है, लेकिन इंटरनेट में पैक जरूर होना चाहिए, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो ये है इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली इन इंडिया, पर किसी भी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है, ऑलवेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विच वन, तो फर्स्ट वन इज, एक तो हो सकता है हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जिसे हम घरेलू निवेश कहते हैं, और दूसरा हो सकता है बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसे कि आप विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है, घरेलू निवेश और विदेशी निवेश, पक्की बात है, दो ही तरीके का हो सकता है बेटा, इसमें घरेलू क्या होगा और विदेशी क्या होगा, सोच के बताओ, ऐसे नॉट कि बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है,
पर एक बार की सोच कर बताओ क्या. सोचो सोचो. घरेलू क्या होगा बेटा? जो इंडिया के अंदर ही अंदर होगा. ठीक है. अच्छा, इंडिया के अंदर ही अंदर बच्चों कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट भी कर सकती. भी गवर्नमेंट भी करेगी. और कौन करेगा बेटा? कॉमन पीपल. मतलब बजाय उसको आप प्राइवेट सेक्टर कह दो. करेक्ट ना. इकोनॉमी में ना पता है क्या बच्चों, ऑलवेज ना बस इकोनॉमी इसीलिए टफ है. इकोनॉमी सिर्फ इसीलिए टफ है. टफ है नहीं, मतलब लगती है. इट सीम्स टफ, बट मैं आपको बताऊं सीरियसली, ये सबसे इजी सब्जेक्ट है. आप पढ़ते जाइए, आपको सबसे इजी लगेगा. बस प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पर आपको हाँ एग्जैक्ट टर्म यूज करने पड़ते हैं. जैसे यही बात आपने पॉलिटी में बोली होती ना, काम चल जाता. हाँ भाई, आम लोग. यहाँ पर आम लोग कुछ नहीं होते हैं. हाँ, यहाँ पर जब भी होगा तो पब्लिक होगा या तो प्राइवेट होगा. वर्ड यहाँ पर जब भी यूज होगा. आई बात समझ में? आप किसी और सब्जेक्ट में बोल सकते हैं कि जितना भी हमने निवेश किया, जितना भी उत्पन्न की चीजें, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक वर्ड होगा जीडीपी, तो आप उसको हमेशा जीडीपी के थ्रू ही बताओगे. आई बात समझ में बेटा? इसीलिए बच्चों को क्या लगता है बड़ा टफ है. टफ वफ कुछ नहीं है बेटा, बस आपको टर्म वहां पर एग्जैक्ट पता होने चाहिए. एग्जैक्टली. ठीक है, चलिए. तो आप बच्चों ने बताया कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है मैडम, तो वो हमेशा दो तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर. ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर. वो या तो गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर मैडम उसे कोई प्राइवेट सेक्टर कर सकता है. अब प्राइवेट सेक्टर में तुम भी आ जाती हो और मैं भी आ जाती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हम इन्वेस्टर्स नहीं हैं. वी आर नॉट द एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, तो वी कैन नॉट इन्वेस्ट एक्चुअली, है ना. तो यहाँ पर कौन करेंगे? जो हमारे यहाँ के रिच क्लास है, एलीट पीपल है ना, जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घराने हमारे यहाँ पर, तो एक्चुअली दे आर द इन्वेस्टर्स इन दिस कंट्री. लाइक अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, तो ये सारे जो कंपनीज हैं, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, तो ये लोग बेसिकली हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं. ठीक है. अच्छा, फॉरेन में भी सेम है बच्चों, दो तरीके से हो सकता है. भाई या तो कोई कंपनी सीधे तौर पर, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में, मतलब अमेरिका की कोई कंपनी प्रत्यक्ष तौर पर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट फॉर्म में इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मैं भी आपको ड्रॉ करके बताऊंगी. तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश. प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट है, मतलब अमेरिका की, जापान की, फ्रांस की कोई कंपनी लाभ कमाने के लिए अपने रिसोर्सेस को डायरेक्ट फॉर्म में इंडिया के अंदर लेकर आती है. और मुंबई में, नोएडा में, गुड़गांव में, नागपुर में, भोपाल में, कानपुर में, कहीं भी एक्सेट्रा ब्लाबला, केरला में अपनी एक कंपनी सेटअप कर लेती है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो इंडिया के लिए बहुत ही प्रेफरेबल है, बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है. क्यों प्रेफरेबल है? क्यों प्रेफरेबल है बच्चों? ये क्वेश्चन एक बार नहीं, तमाम बार यूपीएससी में पूछा गया है. क्या कारण है कि भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रेफर करता है? कारण क्या है? छोटा सा एक कारण बताइए जल्दी से, क्यों प्रेफर करता है इंडिया? क्योंकि यहाँ पर मार्केट है. नहीं बेटा, इंडिया वो तो उनके लिए फेवरेबल हुआ ना बेटा. एम्प्लॉयमेंट. शाबाश. इंडिया क्यों प्रेफर करता है? हाँ, तुम्हारी बच्ची की बात बिल्कुल सही है, उनके लिए ये सबसे बड़ी मार्केट है ना, तो उनके लिए ये फेवरेबल मार्केट है. ठीक है, क्यों फेवरेबल है? क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ पर हर तरीके की डिमांड है. कंपनीज को पता है बाहर कि इंडिया एक ऐसी मार्केट है कि अकेली चांदनी चौक मार्केट ऐसी है जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कि जहां पर 5 रुपए मीटर से लेकर 50 लाख रुपए मीटर का कपड़ा मिलता है एक ही दुकान के अंदर. क्या बात है, जहां पर 150 रुपए से लेकर 1.5 लाख का कंबल मिलता है. भाई मिलता है. और उसी चांदनी चौक मार्केट के अंदर, उसी एक शॉप के अंदर, जहां पर 10 रुपए की थाली से लेकर 10,000 रुपए तक की थाली भी मिलती है. बिल्कुल मिलती है. 5-स्टार होटल चले जाइए, एक बार का खर्चा 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, लेकिन वहीं आपको 10-20 रुपए की थाली खानी है तो वो भी इंडिया के अंदर अवेलेबल है. तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत ही मतलब वैरायटी की मार्केट है. आप कुछ भी लेकर खड़े हो जाओ, सब चीज बिकती है ना. इंडिया के अंदर सब कुछ बिकता है, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता, कहीं कोई दिक्कत नहीं. क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड है.
ठीक है। और डिमांड क्यों है, क्योंकि लोगों के मूड अलग अलग हैं, अलग अलग कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। तो इंडिया की जो मार्केट है बहुत वैरायटी की मार्केट है। तो ऑब्वियसली जो बच्ची ने बोला कि बाहर के इन्वेस्टर्स को जो हमारी मार्केट है बहुत ही फेवरेबल कंडीशन में नज़र आती है, बट हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है जो बच्चे ने बोला सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बर्डन को अपने सर से मतलब शिफ्ट करना, उसे हटाना, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सरदर्द तुम लोग हो, समझ रहे हो ना, सबसे बड़ा बच्चे तुम लोग नहीं, इस कंट्री का जितना भी यूथ है ना, तुम लोगों ने सरकार को पागल कर रखा है, तुम अकेले वो लोग हो जो मोदी को रात को सोने नहीं देते हो, समझ रहे हो ना, तुम लोग अकेले वो लोग हो इतनी कुब्बत रखते हो कि तुम लोग मोदी के सपनों में आते हो, ठीक है। और वही सरकार जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे सकती है आगे, वही जीतने वाली है, ये बात कंफर्म है। तो आप देखिए इतना बड़ा यूथ, इतनी बड़ी डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन में हम लोग हैं, आप बताइए। और इतनी बड़ी यूथ को मतलब आप देखिए, और जो इतनी पढ़ी लिखी है यूथ, ये भी नहीं कि आप अनपढ़ गवार है तो आपकी छटनी आसानी से हो जाए, यहाँ पर बात की जाए तो एक से एक पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, कोई किसी में मास्टर है, कोई किसी में मास्टर है, कोई किसी में मास्टर है, लेकिन इतने बड़े यूथ को आप काम कैसे दोगे बेटा, दिक्कत की बात ये है। तो गवर्नमेंट चाहती है FDI आने दो, बाहर की कंपनीज आने दो, कम से कम ये सारी की सारी यूथ वहाँ शिफ्ट तो होगी, है ना। और देख लीजिए लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा गुड़गांव और नोएडा देख लीजिए आप भरा पड़ा है, और कितना बड़ा यूथ है जो वहाँ पर काम कर रहा है, कॉल सेंटर्स आप जैसे बच्चों से भरे पड़े हैं, जो 19-20 साल से लेकर 22-23 साल तक भरे पड़े कॉल सेंटर्स, बच्चे दिन रात उनमें काम कर रहे हैं, 22-25-30 हज़ार की उन्हें सैलरी मिल रही है, बहुत खुश हैं वो, बहुत खुश है उतनी सैलरी में, ठीक है। आगे क्या होगा ना सरकार को पता, ना उन स्टूडेंट्स को पता, ना उन यूथ को पता, लेकिन फिलहाल वो खुश है कि 25-30 हज़ार रुपये उन्हें मिल रहा है, जबकि ये उनका परमानेंट पेशा नहीं है। 25 साल बाद 30 साल बाद वो आपको भी निकाल के बाहर कर देंगे, क्योंकि उन्हें फिर से यंगस्टर चाहिए होंगे और आप उनके लिए बूढ़े हो जाओगे, तो 28 साल के बाद वो आपको भी निकाल के बाहर कर देंगे। लेकिन यूथ करे तो करे क्या, करे बताओ क्या करे, इतनी एजुकेशन लेकर उसे नौकरी मिलने को रेडी नहीं है, इंजीनियर्स गली गली घूम रहे हैं, तो किया क्या जाए। तो उनके लिए ये जो FDI है वो बहुत अच्छा है, उनके लाइक अ बून है, एक वरदान है कि कम से कम बाहर की कंपनियां आई हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक पर्सनैलिटी है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है, चलो जी अपनी नौकरी पक्की हो गई, और क्या चाहिए, 2-4 इंग्लिश के ओके सॉरी जैसे वर्ड्स है, थैंक यू जैसे वर्ड्स है, थोड़ा कोट वोट पहनना आना चाहिए, ठीक ठाक दिखाना चाहिए अपने आप को बाबू बाबू जैसा, थोड़ा छुरी काटे से खाना आ जाए, बात खत्म है, अपने को नौकरी मिल गई 25-30 हज़ार की, उसमें यूथ बिल्कुल खुश है आज के टाइम पर। देखिए उससे ज़्यादा वो कठिन परिश्रम करना भी नहीं चाहता है, वो चाहता भी नहीं है कि मैं UPSC जैसी तैयारी करूं, 6 साल लगूं और उसके बाद मेरे हाथ में 0 आए, वही 99 पे सांप काटा और नीचे आओ तो कितना बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है ना, है ना। आप लूडो खेल रहे हो, स्नैक एंड लैडर खेल रहे हो और 99 पे जब सांप काटता है बहुत गुस्सा आता है, तो ये UPSC की तैयारी वही है, यहाँ पर सांप बेटा हमेशा आपको 99 पे ही काटेगा, हमेशा, क्यों, आप प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस निकालोगे, ठीक है, इंटरव्यू में जाकर जब वापस आते हैं तो क्या लगता है बेटा 99 पे तो सांप काटा और क्या, और वापस से आपको भी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है, बस 0 से, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो उससे बेटर बच्चों को पता है क्या लगता है, ये रिपोर्ट आई है बेटा, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये अभी रिपोर्ट आई है, ये सब रिपोर्ट्स है, आई डोंट नो आप कितना करंट से टच हो, पर मैं पूरी तरह करंट से टच हूँ अपनी इकोनॉमी को लेकर, 5 दिन पहले की रिपोर्ट है, नए साल पर आई है, कि यूथ कम से कम समय में फास्ट बोर्ड में नौकरी चाह रहा है, उसे वेट नहीं करना है, उसे लग रहा है मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, मुझे इमीडिएट जॉब चाहिए, इमीडिएट उसे जॉब चाहिए, और इसीलिए वो जो हार्ड वर्किंग हमारे यहाँ पर जो पेशे हैं वो उनसे दूर जा रहा है, और उसमें 2 पेशे या 3 पेशे सबसे हार्ड वर्किंग है, IIT, नीट देन UPSC, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले बच्चा IIT के बारे में सोचेगा, UPSC के बारे में नहीं सोचेगा, फिर नीट के बारे में सोचेगा, बायो के स्ट्रीम वाला, ठीक है, और तीसरा फिर आएगा आदमी UPSC के लिए। तो नीट और अब जो IIT है उसका क्रेज कम हो रहा है, और तीसरा रिपोर्ट में ये बात आई है कि UPSC का क्रेज भी अब लगातार कम हो रहा है, और इसीलिए उसका इम्पैक्ट स्पष्ट रिपोर्ट है कि मुखर्जी नगर और करोल बाग में दिखता नजर आ रहा है, जहां से बच्चे गायब हो रहे हैं, क्लासेस खाली पड़ी हैं, और हर क्लासेस में किसी भी एकेडमी में चले जाइए, बड़ी से बड़ी एकेडमी में इस वक्त क्लास के अंदर 40-50 बच्चा बैठा है, और छोटी मोटी एकेडमीज में 15-20 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि यूथ का क्रेज कम हो रहा है, समझ रहे हैं, बहुत कम हो रहा है, उससे बेटर उन्हें अपने टीचर लुभा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों, कि यार हमसे तो टीचर बेटर है ना,
उतना हम मरे खटे फिर हो ना हो, उससे बेटर एक सब्जेक्ट में बढ़िया हो और सीधा जाकर कोचिंग्स में पढ़ाना शुरू कर दो। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़े ही हैं जिसमें बच्चे जाकर 22-23 साल में पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं, बात खत्म होगी। उसके बदले में उन्हें 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पैकेज मिल जा रहा है, वो कह रहे ज़्यादा बेटर है। किसको पढ़िएगी यूपीएससी के लिए जाएं, करना क्या है, सैलरी तो वहाँ भी 1 लाख रुपए के अंदर ही मिलनी है, और क्या है, फिर इतना पॉलिटिकल प्रेशर झेलो, क्या फ़ायदा, इतना पॉलिटिकल प्रेशर झेलो, सुसाइड करो, ये करो, इतनी रिपोर्टें बनाओ, उससे बेटर है पढ़ा लो, वो अच्छा है, बात समझ रहे ना। तो यूथ का देखिए नज़रिया किस तरीके से बदल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए सबसे प्रेफरेबल चीज़ क्या है, वो है FDII, मैं आपको पूरे चार्ट के थ्रू बताती हूँ। और दूसरा क्या हो सकता है, FII, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। चलिए तो एक बार चार्ट बना के आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग कहीं हो तो नोट डाउन भी कर लें। तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या बात है बेटा, क्यों हंसी आ रही है बता दो, मुझे भी बता दो, मेरा भी खून बढ़ा दो, अपना ही खून क्यों बढ़ाए जा रहे हो तुम बताओ बेटा, चुप क्यों हो, बोलो बताओ, खुद ही हंस हंस के अपना खून बढ़ाए जा रहे हैं, बताओ बताओ बताओ। ए बताओ ना जल्दी, इसी टोन में आना पड़ेगा लग रहा तुम्हारे साथ, मजाक कर रही हो, ठीक है। तो देखिए फॉरेन है ना, एक तो घरेलू और दूसरा फॉरेन, ठीक है। अब देखिए घरेलू निवेश भी बच्चों दो तरीके का होगा, हमने बोला ठीक, एक तो सरकार द्वारा, यस, और दूसरा निजी क्षेत्र द्वारा, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर एंड दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक। यहां पर भी दो तरीके का होगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, दूसरा विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। FDII एंड FII, इसे ही हम पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं, किसको, FII को, ठीक है बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको अच्छे से आप अपना चार्ट वार्ट बना लीजिएगा, सब पैरा टॉपिक के अंदर करते जाइए, पूरी चीजें उसी में कनेक्टेड है, हम सबकी बात कर चुके हैं, है ना, जो हमने लिखा है। बाकी नोट्स भी आपको मिलेंगे, मैंने बोला था PDF फॉर्म में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं बच्चों के, हैंडआउट मिलता है, क्योंकि अमन सर मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम कैसे देना है, PDF फॉर्म में देना है कि हैंडआउट, तो आई डोंट नो आप क्या प्रेफर करते हो, हैंडआउट, ठीक है। तो वही सर मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे नहीं पता था, हर कोचिंग का रूल अलग होता है, तो मैं सर से कह दूंगी कि हैंडआउट नोट्स आपको अवेल करा दे, ठीक है। आप पढ़िए, जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं सारी चीज़ें होंगी, बट जैसे वो लेंदी है उतना लिखेंगे तो जस्ती का टाइम बर्बाद है ना। और इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना समझ सके, है ना। बाकी लिखवाने के लिए जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको लिखवाऊंगी ही क्लास के अंदर, करेक्ट। चलिए अब देखिए इस चार्ट के थ्रू भी आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि घरेलू निवेश या जिसे हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, देखिए किसी भी कंट्री के लिए आप क्या जरूरी समझते हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ईमानदारी से आंसर कीजिएगा, सोचकर आराम से आंसर कीजिए, बताइए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज बेटर और इट शुड बी, क्या होना, मतलब होना चाहिए या बेटर है, हाँ किसे, डोमेस्टिक से, है ना, डोमेस्टिक से हमारा खुद का डेवलपमेंट होगा। तुम्हारा भी बेटा ये विचार है कि जब भी हो घरेलू, तुमने क्या सोच के बोला बेटा, तुम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि फॉरेन क्यों बेटा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, ठीक है, बट बाहर से अंदर की तरफ होगा अगर सर्कुलेशन होगा, और मान लेते कि जब हमारे देश के अंदर वो सर्कुलेशन नहीं होगा
तो फिर हम किस कंडीशन में जाएंगे, फील करके देखो इस चीज को। वही चीज हो गई जीडीपी, अगर हम बहुत बड़े लेवल पे इसको ले जाकर अभी पहले दिन ही बात करें तो आपके लिए बहुत हैवी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो अभी हम उस लेवल पे जाएंगे नहीं, तो वो जीडीपी और जीएनपी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, हाँ 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 बोलो बोलो, एक हाँ आप बोलो बोलो, पहले कंप्लीट करो, नहीं नहीं कंप्लीट करो कंप्लीट करो, ओवरलैपिंग नहीं करो, जब भी कोई एक बोल रहा हो ना, क्योंकि इकोनॉमी सब्जेक्ट ऐसा है बेटा, इसमें आपके थॉट जम कर आएंगे, तो जब कोई एक बोल रहा हो ना तो एक को पूरा बोलने दीजिए, है ना, फिर दूसरा बोलिए ताकि ओवरलैप ना हो और आपके थॉट पूरी तरह इस क्लासरूम में निकल कर आ सके। बोलो ठीक है, उसका निवेश कर देता है, एग्जैक्टली ठीक, बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया। आप बताओ बेटा क्या बोल रहे थे, एग्जैक्टली अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो अपना कैपिटल लाएंगे, अपना रिस्क लाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना इनोवेशन भी तो लेकर आएंगे, तो क्या जरूरी है कि आपका जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उस टेक्नोलॉजी को कम्पीट कर सके, हाँ उस इनोवेशन को कम्पीट कर सके, और अगर वो कम्पीट नहीं कर पाया तो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उसके कंपैरेटिवली नीचे चला जाएगा, है ना, और अगर आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नीचे जाता है इट मीन सीधा डायरेक्टली कि आपकी जीडीपी गिरती है, है ना, और अगर आपकी जीडीपी गिरती है तो आपके जीएनपी भी मजबूत होने के कोई चांसेस नहीं रह जाते हैं। तो कितना बड़ा पॉइंट है जो कहां पर जाकर जुड़ता है, तो एक्चुअली मच बेटर नहीं, एक्चुअली इट इज मस्ट, इट इज कंपल्सरी कि जब भी इन्वेस्टमेंट हो बेसिकली वो सबसे पहले डोमेस्टिक ही होना चाहिए। जब तक की नीड ना हो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो तब तक नहीं होना चाहिए, बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर द ईयर ऑफ 1991, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस एंड एनी कंट्री, किसी के लिए भी ना, तो इंडिया के लिए और ना किसी और कंट्री के लिए। एंड सेकेंड वन इज दैट कि देखिए कोई भी कंट्री इतनी पावरफुल नहीं है कि वो सारे रिसोर्सेस को अपने यहाँ पर जनरेट कर सके, है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी, है ना, कि वो सारी चीज़ें अपनी कंट्री के अंदर अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेस से मतलब दे सके हमें, तो उसके लिए भी हमें ऑब्वियसली बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन गुड्स की, फॉरेन सर्विसेज की नीड होती ही होती, पर फिर भी बेटर देन कि हम अपने ऊपर कितने निर्भर हो सकते हैं, शायद इसीलिए मोदी जी का यहाँ पर स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, करंट को इकोनॉमी में ऐसे टच करना है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वो ही रहेंगे बेटा, समझ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं चेंज होने वाला है, क्लासिकल इकोनॉमी हमको वही पढ़ाना है, पर वहां पर जो करंट हमारे स्कीम्स है, अभियान है, प्रोजेक्ट है, उसको लाकर यहां पर मर्ज कर दीजिए, और दैट इज कॉल्ड करंट इकोनॉमी। तो टीचर ट्रेडिशनल तो पढ़ाएगा, उसके बिना तो काम ही नहीं होना है, लेकिन उसी के साथ वो करंट टच कर दे, इसीलिए मोदी जी यहां पर यूज कर रहे हैं बार बार मेक इन इंडिया, आत्म भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत, आई बात समझ में, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप, स्टैंड अप, समझ रहे हैं, ये सब इसीलिए हो रहा है बेटा कि हमारा जो DI है, जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, वो मजबूत हो सके, क्योंकि अगर ये मजबूत होता है तो करंट समीक्षा जो इंडियन उसकी आई है हमारे स्टैटिस्टिक्स की, करंट समीक्षा 2 दिन पहले की, कि जो फर्स्ट क्लास में देखिए इकोनॉमी वही बात आ गई, और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमी कितना आप देखिए मूवेबल है, कि मैं आपको 20 दिन पहले पढ़ा कर गई अनुमान था 6.3 से 6.7 GDP का, ठीक है, परसेंट रहने का, और अभी करंट डेट आ गया 7.2, 7 से ऊपर भाई 7.2 7.3 का डेटा, तो लगभग 7.5 के अंदर हमारी GDP रहने का अनुमान बिल्कुल करंट स्टैटिस्टिक्स में है, बिल्कुल बताया गया है। आप देख लीजिए कितना मूवेबल है, कि 20 दिन पहले करंट में मैडम कुछ और बता रही थी, और 20 दिन बाद दोबारा खड़ी हुई तो मैडम खुद ही अपने डेटा को चेंज कर रही है 7.2 से 7.3
3 का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ये किस दम पर होगा? जो मोदी जी जितने भी अभियान बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि उसके दम पर हमारे यहाँ पर सरकार तो इन्वेस्ट कर ही रही है और साथ ही हम निजी क्षेत्र को भी इतनी हवा दे रहे हैं, ठीक है, इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि निजी क्षेत्र में भी आकर लोग इन्वेस्ट कर सके। इसे हम स्टैंड अप कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि लोगों को आराम से लोन मिल सके और लोग अपने बिजनेस के लिए या अपने ओन जो मतलब उनका अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको वो आगे बढ़ा सके और नौकरियों पर कम से कम निर्भर रहें। लेकिन हमने क्या बोला कि किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है बेटा, खास तौर से 90 के बाद, ठीक है, कि हम अपनी सारी ज़रूरतों को डोमेस्टिकली पूरा कर सके। अच्छा, इकोनॉमी का रोल तो इसमें यह भी कहता है कि खास तौर से इंडियन इकोनॉमी का रूल, इंडियन इकोनॉमी का, कि इसमें भी सरकार जितनी चीज़ों को पूरा कर सके दैट इज मच बेटर। बट ठीक है, अभी उसके बाद बात करते हैं। हाँ बोलो बेटा। यस, दोनों का डाटा सेम ही है, दोनों का डाटा। आरबीआई का जो डेटा रहता है वो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहता है, अपने बॉन्ड्स के हिसाब से रहता है, अपने जितने भी अपने सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंगली रहता है, अपने जितने भी उसके मॉनेटरी वेपन्स है जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, उसके बेस पर रहता है बेटा, ठीक है। लेकिन जब NSSO या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जब अपना डेटा देता है तो देखो डेटा तो दोनों का बेटा अनुमान के बेसिस पर ही है, एस्टिमेटेड ही है ना। जब भी आप इकोनॉमी का कोई डेटा पढ़ते हो बच्चों, मैगजीन में पेपर में, तो नीचे स्टार बन के लिखा रहता है एस्टिमेटेड डेटा, अनुमानित आंकड़ा है ना, तो अनुमानित है, तो वो 0.1 का इधर से उधर हो सकता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। पर लगभग दोनों का जो डेटा होता है जब बजट में आएगा, जैसे अभी नाउ बजट आ जाएगा है ना, नेक्स्ट मंथ ही मतलब लास्ट में ही आ जाएगा, तो पूरा हमारे पास 1 या 2 फरवरी तक पूरा बजट आ जाएगा। उस बजट में आप ध्यान से पढ़ना, जब तक आपके काफ़ी सारे टॉपिक भी हो जाएंगे, बजट वगैरह, नेशनल इनकम वगैरह, आप ध्यान से पढ़ना, तो उसमें जो डेटा रहेगा ना वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार का डेटा रहेगा। अभी क्या है, अपनी अपनी कंपनीज अपना अपना अनुमान लगाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अनुमान अलग है कि इस क्लास से ये बच्चा निकलेगा, एक जनरल बात है, किसी और टीचर का अनुमान है कि वो स्टूडेंट निकलेगा, ठीक है, लेकिन फाइनली आपके पेपर देने के बाद पता चलेगा कि यहाँ से कौन सा स्टूडेंट निकलेगा और कौन सा स्टूडेंट नहीं निकलेगा। पता चला मैं जिसे बोल रही थी उसके चांस ही नहीं, और पता चला जिसके मेरे चांस ही नहीं थे वो स्टूडेंट निकल गया। आई बात समझ में? तो वही चीज़ हमारे साथ है। तो जब तक बजट नहीं आए ना, आप एकदम शांत होकर बैठे रहिए, बस बाकी डेटा हम करंट पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, यूज़ करते रहिए, लेते रहिए, पर फाइनली आपको पता ना मैं डेटा जो यूज़फुल होते हैं वो बजट के ही होते हैं, क्योंकि फाइनली सरकार उसको सारे सोर्सेस से निकाल कर देती, हालांकि वो भी एस्टिमेटेड ही होते हैं, वो भी रियल डेटा नहीं होते, पता है ना, वो भी सब सरकार के एस्टिमेटेड होते हैं, एस्टिमेटेड से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एस्टिमेटेड से कल की डेट में कम भी हो सकते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे लिए नहीं है कि 0.1, 0.2 का भी कोई अंतर हो जाए तो वो कोई डिफरेंस की बात नहीं है, ठीक है। कौन? हाँ मैंने बोला ना, सारे मैंने वही बोला ना, कोई बता रहा है कि गिरती भी नजर आएगी, क्योंकि आगे आकर बता रहे हैं कि धीमे होने के चांसेस है इकोनॉमी के, ये भी बताया जा रहा है, कोई बता रहा है कि उछाल रहा है खास तौर से हमारे इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उछाल रहा है। कुछ बता रहे हैं कि लेकिन अगले साल तक, जो खास तौर से अगली छमाही तक जो GDP है थोड़ा सा लो में जाएगी, लो ग्राफ जाएगा, सारी चीज़ें वही है, मैंने क्या बोला, जब तक कि बजट ना आ जाए, है ना। और बाकी ये एस्टिमेटेड डेटा होते बेटा, ये 3 महीने के भी होते हैं, क्वार्टरली भी होते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं, ठीक है, फिर ईयरली भी होते हैं, तो वो चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि उसका कारण है, देखिए पब्लिक का मूड किसी को पता नहीं है, बात समझिएगा, पब्लिक का मूड किसी को नहीं पता, ना तुम्हें मेरा मूड पता, ना मुझे तुम्हारा मूड पता, ठीक है। तुमने बोला कि मैडम आइए चलिए चाय पीते हैं, मेरे को अभी 10 ही रुपये भारी लग रहा है, और पता चले यहीं से मैं आगे 1 घंटे बाद निकली तो मैंने 500 रुपये का नोट खर्च कर दिया, तो ये मेरा मूड हुआ ना। आप देखो पूरी इकोनॉमी मूड से चलती है, आज आपकी इच्छा नहीं है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और आपको लग रहा है आज कुछ नहीं है, तो ठीक है आज ब्रेड पड़ी है, ब्रेड खा के काम चला रहे हैं, और किसी दिन आपका मूड ऐसा होता है कि आज पूरी फैमिली को उठाकर चलो बढ़िया होटल में खाना खिला रहे हैं। आप देखिएगा ये मूड होता है सबका, हर चीज़ का मूड होता है। हम सालों से कहीं नहीं गए, 2 साल से सोच रहे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तीसरे साल चलो यार उठ के पूरा गोवा का ट्रिप बनाते हैं, अब चाहे उसमें 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, ये ठीक है यार सब गोवा घूम कर आते हैं पूरी फैमिली के साथ। तो हम लोग देखिए इकोनॉमी जो चलती है ना बेटा वो मूड से चलती है,
हमारे मूड से चलती है, हम कहाँ पर कितना खर्च करना चाहते हैं और कब खर्च करना चाहते हैं। समटाइम 500 का नोट होता है, हमें नहीं तोड़ना उसे, उस दिन 500 का नोट पड़ा ही रह जाता है। आज तो हम पैदल चल देंगे यार 1 किलोमीटर, क्या 500 रुपये तोड़ेंगे 20 रुपये के लिए, फिर 480 रुपये कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। और किसी दिन आपकी इच्छा होगी तो प्राइवेट ऑटो करके लाओ यार, 150 रुपये लग रहा, थक गए आए, 150 रुपये खर्च करके चल रहे। आप फील करके देखिए, इकोनॉमी फीलिंग का सब्जेक्ट है। अगर आप फील नहीं करते हो, ये पॉलिटी नहीं है बेटा, ये हिस्ट्री नहीं है, ये ज्योग्राफी नहीं है, मैं सच्चाई बता रही हूँ। क्या आप एकदम बैठे रहो और बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। और 10 दिन बाद इसमें ना आपको फील करना पड़ेगा, जो मैडम बोल रही है उससे कनेक्ट कीजिए खुद को। हाँ यार बात तो सही है मैडम की, नहीं मन हो रहा तो नहीं हो रहा, जब हो रहा है तो हो रहा है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और जिस दिन होता है आपका मन, उस दिन आप भी खर्च करते हो और मैं भी खर्च करती हूँ। और जिस दिन मन नहीं होता, देख लीजिएगा उस दिन आपके पॉकेट से 20 रुपये नहीं निकलेंगे, ये तय बात है। और मेरे भी पॉकेट से उस दिन 20 रुपये नहीं निकलेंगे। आज नहीं है मूड यार, बस आज नहीं है तो नहीं है मूड, और आज मूड है तो है। आज तो स्वेटर भी खरीदेंगे, जूते भी खरीदेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, फील कर लीजिएगा। और जिस दिन ऐसा मूड हो उस दिन मुझे याद कर लीजिएगा कि मैडम बिल्कुल सही कह रही थी यार, इकोनॉमी पढ़ा रही थी। तो दैट इज कॉल्ड लाइव इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री नहीं है, जो हो रहा हो रहा है। आप चाहकर भी पृथ्वी की गति नहीं बदल सकते, समझ रहे ना, लेकिन इकोनॉमी की गति आप चाहकर इसी वक्त बदल सकते हैं, बात समझ रहे ना। आप चाहकर भी पॉलिटी नहीं बदल सकते, राज्यसभा को विधानसभा, विधानसभा को लोकसभा नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने बोला, उसी गिरती जीडीपी को आप उठती जीडीपी भी बना सकते हो, हम सब पब्लिक मिल जाए तो। सोच रहे कि हम सबको काम करना है, सोच रहे इस देश की सारी महिलाएं उन्हें काम करना है, देख लीजिए आपकी जीडीपी कहां जाएगी। सिर्फ सोच भर से, हमारे सोच भर से देखिए हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन चाह कर भी आप ये नहीं बोल सकते कि पृथ्वी की गति रोक करें, चलो अब सर्दी बहुत हो रही गर्मी दे दो, ये चाह कर भी आप नहीं कर सकते ना। लेकिन इसी इकोनॉमी को मैं और आप सोच रहे, आप आज ही से सोच रहे, मैडम तो ट्यूशन पढ़ेंगे आपकी इकोनॉमी पढ़ाने के बाद, ट्यूशन कराएंगे बच्चों को, एक बात है, लेकिन कुछ ना कुछ कमाएंगे। तो देख लीजिए आगे आने वाले 1 महीने में हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ जाएगा। अगर आप सभी बच्चे 20,000 रुपये ट्यूशन से कमाने लग गए तो देख लीजिए देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ जाएगा, सोच कर देखिए। तो ये है इकोनॉमी जिसको, जो हमारे हाथ में है, लेकिन बाकी कोई सब्जेक्ट हमारे हाथ में नहीं है। और इसीलिए बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ लगता है, ये टफ नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है, बस आपको लाइव इसके साथ खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कनेक्टिविटी नहीं बिठा रहे हो तो ये सबसे बोरिंग और सबसे बुरा सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँ, इसके साथ कनेक्ट कीजिए खुद को, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बोला, सरकार द्वारा और निजी क्षेत्र द्वारा। अब भारत जैसे देश में सबसे बेटर पता है क्या माना जाता है, सरकार इन्वेस्टमेंट करें। हम लोग भी बताऊं सच्चाई में यही मानते हैं, हॉस्पिटल सरकार खोले, सरकारी हॉस्पिटल होगा, सुविधा सही रहेगी, पैसे नहीं लगेंगे हमारे, ट्रेनें चले सरकार करे, स्कूल्स खुले सरकार करे, सारी चीज़ें। और वो अच्छा भी है, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि चीज़ें एक जैसी होती हैं, सबके लिए सुविधाएं एक जैसी होती हैं। लेकिन सरकार अपने दम पर इतना सब कुछ कर सकती है क्या बच्चों? नहीं कर सकती ना, नहीं कर पाएगी, कोई सरकार नहीं कर सकती बेटा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इतने बच्चों को कोचिंग करना है, क्या सरकार करा सकती है कोचिंग? नहीं करा सकती। तो फाइनली वी नीड द पब्लिक, सॉरी प्राइवेट सेक्टर। सरकार क्या कर सकती है, बस प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा सब्सिडी दे सकती है, हेल्प दे सकती है, ग्रांट दे सकती है, अनुदान दे सकती है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास तो कैपिटल है ही है ना, और क्या, तभी तो प्राइवेट सेक्टर इतना जमकर हमारे देश में सरकार से ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर अंबानी है, अडानी है, आपको पता है ना। तो जो सरकार की बुरे वक्त में मदद करता है, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल उनके पास उनके पास रिसोर्सेज है ना। आज अंबानी के पास इतनी बड़ी ताकत है कि पूरी इकोनॉमी को खरीद सकता है, बताइए। जो सरकार के बुरे वक्त में, मैंने क्या बोला, सरकार का साथी बनते हैं, सरकार के बॉन्ड खरीदते हैं, सरकार के डिबेंचर्स खरीदते हैं। जब सरकार को पैसा चाहिए होता है और आरबीआई के पास पैसा नहीं होता है, तो आपको पता है ना, ये सरकार के बॉन्ड खरीदकर कैश करते हैं, कैशिफाई करते हैं, उनके बॉन्ड्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए हर सरकार ऐसे बड़े बड़े घरानों के ऊपर निर्भर करती है, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी गवर्नमेंट हो। ये सिर्फ ब्लेम है कि तुम इसके मीत हो, तुम उसके मीत हो, तुम सब एक्चुअली जितने भी रहे हो, नेहरू टू मोदी, तुम सब बड़े बड़े घराने के मीत रहे हो। और सब प्रधानमंत्रियों के साथ अडानी अंबानी जैसे लोग चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जाते हैं और गए हैं। वो नेहरू के साथ भी बैठे और मोदी के साथ भी चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जाता है मुकेश अंबानी, ताकि वो ये फाइल्स चेक कर सके, या उसके लोग के देश के लिए कौन सी योजनाएं
बन रही है, मोदी जी कहां पर कौन सा समझौता कर रहे हैं। तो हर सरकार डिपेंड करती है बेटा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि फाइनली दे आर द इन्वेस्टर्स इन दिस कंट्री, और सरकार की संकट की घड़ी के ये लोग बहुत बड़े दोस्त हैं, साथी हैं। तो उसी लिए हमारे यहाँ पर निजी क्षेत्र के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन दिक्कत वही है कि इंडिया जैसे कंट्री में ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बच्चों डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो भारत जैसे देश में अगर प्राइवेट सेक्टर को हवा दी जा रही है, और अगर प्राइवेट सेक्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो भारत जैसे देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता है। लगभग हर एक आध साल छोड़कर यूपीएससी आपसे इकोनॉमी के मेंस में ये क्वेश्चन करता है कि निजीकरण को आप किस सीमा तक उचित समझते हैं, और अगर भारत में सब कुछ निजीकरण मतलब प्राइवेटाइज्ड हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप देश की जो मतलब लोगों का वेलफेयर है आप उसको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देना है। यू कैन नॉट से ओवर देयर कि भाई प्राइवेटाइजेशन शुड नॉट बी देयर, मतलब होना ही नहीं चाहिए। प्राइवेटाइजेशन तो चाहिए जस्ट बिकॉज वी नीड द इन्वेस्टमेंट, एंड मच बेटर कि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराए उससे बेटर है कि कम से कम अपने देश के लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें। आई बात समझ में? ठीक। और दूसरी चीज ये भी है कि वो हमारे कंडीशंस को समझते हैं, बाहर की कंपनी हमारी कंडीशंस नहीं समझती है। तो कम से कम ये चीज है, जैसे कि आज छोटी सी बात है कि जूडियो करके शोरूम है। अब जूडियो में कपड़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं, है ना? किसका प्रोडक्ट है, किसका है जूडियो, किसका है जूडियो, किसकी कंपनी है? बस चुप होकर बैठ गए। टाटा की। क्रोमा किसकी कंपनी है? टाटा की। ये सब पता होना चाहिए आपको इकोनॉमी में। अब क्रोमा, अब क्रोमा चले जाइए, क्रोमा में सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आदमी मोबाइल परचेस कर पा रहा है, जीरो इंटरेस्ट पे मोबाइल है। हाँ, तो कम से कम एक आदमी को आज 8-9 हज़ार का मोबाइल चाहिए, आम आदमी को मान लेते हैं, तो उसको 1 रुपया नहीं देना है और वो मोबाइल उठा कर ले आएगा, उसकी जरूरत पूरी हो रही है। तो क्रोमा लोगों की जरूरत पूरी तो कर रहा है ना, कम से कम हमें ये तो पता है। जूडियो आज वहां पर बताते हैं कि 400 से लेकर 600-700 के अंदर बढ़िया कपड़े मिल जाते हैं। मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ, आई नेवर वेंट, बट मतलब मैंने लोगों से सुना है फीडबैक कि मतलब अरे वहाँ पर तो जैकेट इसमें मिल रही है 500 रुपये में, 600 रुपये में, 450 रुपये में, इतनी मस्त जैकेट, एकदम गर्म जैकेट मिल रही है। भाई मैं तो कभी गई नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर लोग कहते हैं 300-400 से लेकर 1000 के अंदर तो बहुत बढ़िया कपड़े वहाँ पर मिल जाते हैं। चलो ठीक है, जो भी है, पर लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है ना जूडियो जैसा शोरूम, मतलब लोगों की जरूरतें ही तो पूरी कर रहा है कि अगर आपको कपड़े पहनने तो एटलीस्ट आप कपड़े पहन सकते हो, वरना आप किसी कंपनी में जाओगे तो 1.5-2-3 हज़ार से कम की कोई जैकेट नहीं मिल रही है, कोई वूलन कपड़ा नहीं मिल रहा है। तो वही बात होगी, तो कम से कम ये अपने देश की कंडीशन समझ कर चल रहे हैं। अब बाहर की कंपनी तो उस चीज़ को नहीं समझ रही ना, पीटर इंग्लैंड तो उस चीज़ को नहीं समझेगा ना, कलर्स तो उस चीज़ को नहीं समझेगा ना, आप बताइए ना कि समझ जाएगा, वो तो नहीं समझेगा ना। तो वही चीज़ है, तो कम से कम अच्छी बात है, और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही है फिर, वही और क्या, वही इन्वेस्टर आप समझ के देखो ना बेटा, तो आपका जीडीपी तो बढ़ रहा है ना, आपका पैसा आप ही के देश में, वो लगाने वाला और हम खर्च करने वाले हैं। तो अगर टाटा की कंपनी कोई कमा रही है, रिलायंस कमा रहा है, तो अपने देश का पैसा अपने देश में, जीडीपी भी बढ़ रही है, जीएनपी भी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है, नए नए शोरूम खुल रहे हैं, तो कितने कितने लड़के लड़कियां वहां पर काम कर रहे हैं, एक एक जगह पर 100-100 लोग काम कर रहे हैं, चलो यार अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट भी तो मिल रहा है। ठीक है, वही चीज है। तो इसीलिए अगर सरकार इस नीति के साथ चल रही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कत पता है कहां है कि अगर कल को सब कुछ आपको ये बताना है एग्जाम के अंदर प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री के अंदर, और उतने डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग पाट नहीं पाएंगे। और प्राइवेट कंपनी जब भी काम करेगी वो लाभ प्राप्ति की इच्छा से ही काम करेगी, ये बात बिल्कुल तय है, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है कि सरकार इतनी सारी व्यवस्थाएं अपने दम पर नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमारे जरूरी है कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक सेक्टर में सरकार भी काम करे, तो वो चीज़ें जो हम सबको इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए। तो देखिए उसमें सरकार काम कर रही है, आप ठीक से देख लीजिए, चाहे वो रसोई गैस सिलेंडर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मेडिकल हो, आप देख लीजिए, तो वहाँ पर सरकार काम कर रही है। ठीक है, हाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरकार किसी से करा रही है वो अलग बात है, लेकिन हर सरकार के हाथों में ही तो है इलेक्ट्रिसिटी, रसोई गैस सिलेंडर, वाटर सप्लाई, तो सरकार को भी पता है कि सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें सरकार को पता है कि एक जैसी मुझे देने की नीड नहीं है, अब मान लीजिए मुझे परफ्यूम लगाना और आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि सरकार की अपनी कोई परफ्यूम की कंपनी नहीं है, बहुत सीधी सी बात है ना, समझ में आ रही ना बात। आपको 200 का जूता पहनना है, मुझे 4000 का जूता पहनना है, तो सरकार की जूता फैक्ट्री नहीं है,
कोई शू फैक्ट्री नहीं है, सरकार को पता है कि मुझे ये नहीं देना, बाकी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सरकार को पता है कि रसोई गैस सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, बेसिक मेडिसिन सबको चाहिए, बेसिक एजुकेशन सबको चाहिए, साफ सफाई सबको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सबको चाहिए। तो देखिए सरकार इसमें काम कर रही है, आज भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार को पता ही है मुझे सबको एक जैसा देना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आपकी नीड की हैं, आपको जो जरूरत है आप उस तरीके से मार्केट से परचेस कर लीजिए। और ये कि साइकिल है जो इसी तरीके से चलती रहती है। अब बात वही आती है कि सरकार ने जमकर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट किया हमारे यहाँ पर 1947 से लेकर 1990 तक, ठीक है। अगर आप बात करें तो नेहरू जी ने जमकर अपने यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट किया, ये जो क्रेडिट है वो नेहरू जी को जाता है, और उन्होंने जमकर इस कंट्री के अंदर बड़े बड़े CPSUs खोले, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स थे, जिसे आज आप PSEs कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो नेहरू जी ने क्या खोले, CPSUs खोले, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोले, जिसमें सेल, भेल, गेल, ONGC जैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये हालात थे कि नेहरू जी ने सेकेंड 5-year प्लान में 17 खोले थे, और जो 1990 तक जाते जाते 250+ हो गए थे, 250 से ऊपर हो गए थे, तो अच्छी बात थी। लेकिन नेहरू जी ने जो मेन जोर दिया था शुरू में इनिशियली, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर ही दिया था, या तो सरकार करेगी, उनका तो मानना था सरकार ही करेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने उतना जो है स्पेस नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा गांधी आती गई तो उन्होंने 5th प्लान में जाकर थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, और फिर जैसे जैसे राजीव गांधी आए, आपको पूरी आगे बातें पता चलेगी जब हम लोग प्लानिंग पढ़ेंगे, तो फिर राजीव गांधी आए तो वो बाहर से पढ़े हुए व्यक्ति थे, अच्छे एजुकेटेड पर्सन थे, तो उन्हें लगा कि हमारे देश में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फाइनली फिर राजीव गांधी जी भी डेथ कर जाते हैं, और फिर देश के हालात बहुत ख़राब होते हैं, और आपको पता है कि नरसिम्हा राव जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर की जो हमारे यहाँ पर लेकर आते हैं, हु ब्रॉड द LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो तीन चीज़ें वो लेकर आते हैं नरसिम्हा राव जी। और मतलब वो पहली गवर्नमेंट भी थी जो अलायंस गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, और उस टाइम पे हमारे देश की नीड थी, और फाइनली जो एक्स हमारे जो रहे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो उस समय इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसे राव मनमोहन मॉडल भी कहकर बुलाया जाता है, आपको पता होगा, तो राव मनमोहन मॉडल, तो नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, तो उस मॉडल को नाम दिया जाता है राव मनमोहन मॉडल। पेपर में बहुत पूछा जाता है ये मॉडल भी, आपको प्रीलिम्स में भी मेंस में भी तो ये पूछा जाता है। तो ये मॉडल फिर हमारे कंट्री में आया, और फाइनली फिर जब LPG आया तो बेटा उसका मतलब ही था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो फिर आप उस चीज़ को इनकार भी नहीं कर सकते थे। तो फाइनली फिर हमारी कंट्री में क्या आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फॉर्मल शुरुआत हुई, इनफॉर्मल इंदिरा गांधी जी कर चुकी थी, ठीक है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से था, मतलब वो टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन था, मतलब इंदिरा गांधी जी का मूड ऐसा नहीं था कि बाहर की कोई कंपनी सीधा मेरे आएगी, ऐसा नहीं था। तो इंदिरा गांधी जी का मूड ये था कि मान लो मुझे टीवी चाहिए, तो टीवी का जो पुर्जे होंगे वो मेरे यहाँ बनेंगे, और जो टेक्निक होगी वो आपकी होगी, आई बात समझ में, तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन। पर उसके बाद के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, सीधा, अच्छा ओनिडा टीवी बनना है, ठीक है, ओनिडा टीवी सीधा हमारे यहाँ पर कंपनी आ जाएगी, सीधा कंपनी बनाएंगे, अच्छा पैनासोनिक का टीवी बनना है, सीधा आ जाएगी पैनासोनिक की कंपनी आ जाएगी और सीधा टीवी बनाएंगे। पर इंदिरा गांधी इस बात को समझ रही थी कि ये गलत होगा कल की डेट में हमारे यहाँ पर, और एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए आज सीधा सीधा बाहर की कंपनियाँ सैमसंग सीधा मोबाइल हमारे यहाँ पर बना रहे हैं, समझ लेना, और हमारा जो मोबाइल है उसको कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है, जो हमारी कंपनी है उसको कोई परचेस ही नहीं करना चाहता। आज आप देख लीजिए, आज रियलमी, रेडमी, ओप्पो कितने मोबाइल हैं, और जिसकी फैक्ट्री सीधा के सीधा नोएडा में, गुड़गांव में सेटअप है, खासतौर से नोएडा के अंदर, तो आप देख लीजिए सीधा हमारे यहाँ पर सेल आउट कर रही हैं। पर इंदिरा गांधी जी का मूड था कि नहीं, टेक्निकली पुर्जे यहाँ पर बन जाएंगे, टेक्निक आपकी होगी पर पुर्जे मेरे यहाँ बनेंगे, ताकि मेरे लोगों को भी काम मिल सके और आप मुझ पर अपना कब्जा ना जमा सको। पर वो समय की डिमांड थी बेटा, और इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या आया, विदेशी प्रत्यक्ष भी आया और विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश भी आया। अब मुद्दा ये था कि प्रत्यक्ष तो आया क्योंकि हमें रोजगार देना था, गरीबी हटानी थी, है ना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी करना था। अब मुद्दा यह कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई बताना चाहेगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी के दिमाग में बहुत पूछता है UPSC, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बच्चे कहते पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रहा हमें, प्लान के बेस पे, प्लान के बेस पे बेटा कैसे, बताओ बताओ बताओ, तुम बोलना चाह रहे हो, क्या नाम है आपका बेटा, कृष्णा, कृष्णा, हाँ तुम्हारा क्या नाम है बेटा, बताया था पिछला, आदित्य, हाँ हाँ बताओ कृष्णा, कुछ बोलना चाहते हो, कोई आइडिया नहीं है, पोर्टफोलियो बताओ बच्चों, पोर्टफोलियो सोचो सोचो,
अरे पीछे से हमारी कॉमर्स की स्टूडेंट बताओ ना तुम, सब कह रहे कौन कॉमर्स ही था ना तुमने, हाँ देख लो क्या मैं इतना थोड़ी ना भूल गई 20 दिन में, बताओ बताओ कॉमर्स की स्टूडेंट मतलब माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट्स बैठे क्लास के अंदर, कुछ बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेटा, सोचो। अच्छा शेयर मार्केट सुना है कभी? यस 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 सुना है सुना है। पता है ना शेयर मार्केट क्या होता है कि नहीं? पता नहीं है, अरे वो तो होगा ही ना बेटा, काम कैसे करता है ये पता है? नहीं पता, ठीक है वो तो आगे के टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ोगे आप, अभी तो पहली क्लास है एक तरीके से, अभी तो डेढ़ महीने का लगभग लंबा सफ़र है और लास्ट डे तक आपको इकोनॉमी के बारे में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है? अभी तक जो आप पेपर पढ़ने से डरते हो, बजट उठाने से डरते थे, आप इतने एबल हो जाओगे एक महीने के बाद कि वो बजट आप खुद पढ़ लोगे, मैं तो कराऊंगी पर मतलब आप खुद ही उसको पढ़ लोगे, इतने एबल हो जाओगे तो कहीं कोई डर आपके अंदर नहीं रहेगा। देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि शेयर मार्केट के थ्रू किया गया इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट के थ्रू किया गया इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब इसमें कंपनी क्या करती है कि इसमें तो सीधा हमारी कंट्री में आती है, डायरेक्ट मोड में मैंने आपको बताया कि फ्रांस की कोई कंपनी या अमेरिका की कोई कंपनी तो सीधा उसने आकर इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर कर दिया, ठीक है? अच्छा अब दूसरा क्या है कि जैसे विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, इसमें यहाँ पर सीधा कंपनी नहीं आ रही बेटा, अपना इनोवेशन, अपना रिस्क, अपना कैपिटल, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आ रही है। हाँ उसे भी ये डर है कि पता नहीं मैं जाऊँ वहाँ सक्सेस हूँ नहीं हूँ, क्या रिजल्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो वो क्या चाह रही है, वो इंडियन शेयर मार्केट को अच्छी तरह समझती है, तो वो क्या करी कंपनी सीधा बाहर बैठे बैठे, अमेरिका की कोई कंपनी मान लेते हैं, वो इंडिया के बीएसई में मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पता चला वो सीधा इन्वेस्ट कर रही है, तो कितनी स्मार्ट है कंपनी, बिना पैसा लगाए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, बिना लोगों को काम दिए, हमारी शेयर मार्केट से डायरेक्ट फॉर्म में पैसा कमा कर जा रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने बाहर से आई और बाहर से आकर हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाकर प्रॉफिट कमा के यहाँ से निकल गई, तो सरकार को लगता हम तो बेवकूफ बन गए, उससे बेटर क्या है कि अगर ये अपनी कैपिटल लेकर आएगी, अपना इनोवेशन लेकर आएगी, फिर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करेगी, तो कम से कम मेरे लोगों को काम देगी, पॉवर्टी एलिविएट होगी, कम से कम मेरे यहाँ से उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन भी आएगा मेरे यहाँ पर, अच्छा मेरा जीडीपी भी तो बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके बजाय जो मोटिवेट करती है वो एफडीआई को करती है, और इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब पूरे अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम 100% मान ही लें तो 100% में 97% का हमारे यहाँ पर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है, और 2 से 2.5% समथिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर क्या होता है एफआईआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके लिए हमारी सभी सरकारों को इंक्लूडेड मोदी सरकार सबको क्रिटिसाइज किया जाता है, और उनके क्रिटिसाइजर्स में सबसे पहला है अमेरिका कि आप बहुत स्मार्ट, और दूसरा ब्रिटेन कि आप बहुत स्मार्ट हो, कि आप मतलब जब अपने यहाँ पर कंपनी बुलाने की बात आती है तो आप फौरन उसे आने देते हो, लेकिन जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप बचाव की नीति अपनाते हो, पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि भाई मेरी अपनी वहाँ पर मजबूरियाँ हैं क्योंकि मेरे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लोगों को काम मिल सके, और दूसरा जो मेरा शेयर मार्केट है, हर शेयर मार्केट ही ह्यूमर पर चलता है, अफवाह पर चलता है, पर मोदी गवर्नमेंट का कहना है या जितनी पहले भी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, इनका सीधा स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ पर अफवाहों का जो बाजार है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म रहता है, और इसी वजह से हम नहीं चाहते कि बाहर की कंपनियाँ सीधा आकर हमारे शेयर मार्केट को अफेक्टेड करें या अफेक्ट करें, तो इसीलिए हम वहाँ पर थोड़ी सी बचाव की नीति को अपनाते हैं। हालांकि आए दिन वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनकी थूथू होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर यहाँ पर इन लोगों का अपना स्टैंड क्लियर है, और इसलिए आज भी हमारे यहाँ पर 97-98% जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब एफडीआई है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भारत क्यों एफडीआई के तुलना में एफआईआई को कम महत्व देता, तो उसके पीछे सीधा कारण गरीबी और बेरोजगारी।
बिल्कुल सिंपल सोशल रीजन है, कोई डेटा उसके पीछे आपको यूज नहीं करना है। सीधा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, कि आप कंपेयर करके बताइए क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें आपको बतानी, बाकी तो आगे आगे ही आपका टॉपिक आएगा जब फॉरेन सेक्टर का, तो उसमें ये चीज़ें कवर होंगी ही होंगी। ये तो आपका शुरुआती जो इकोनॉमी में जहाँ पर टर्म यूज़ हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल ये भी। तो ये क्या था हमारा इन्वेस्टमेंट। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जो हमने रिटर्न में भी यहाँ पर किया कि सबसे ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। चलिए प्रोडक्शन हुआ, प्रोड्यूस किया हमने, लोगों ने कंज्यूम भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, अब डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट क्या उसके पर बात करते हैं। पहले इनकी बात सुन ले कृष्णा की। हाँ कृष्णा, ये जो FDI है ये सब देशों के लिए 100% फ्री है या रिस्ट्रिक्शन? नहीं नहीं, इसमें क्या होता है कि हर कंट्री का, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, इसमें क्या, हर कंट्री के साथ बेटा आपके रिलेशन कैसे, ठीक है, हर कंट्री के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके बैग को कौन छू सकता है। चार बच्चों को आपने फ्री कर रखा है, तुम चार हो, मेरी तुमसे अच्छी दोस्ती, तुम लोग कभी भी मेरे बैग से कुछ भी सामान निकाल सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री, आपने उनको फ्री किया हुआ है। पीछे के चार बच्चे खबरदार, जो मेरे बैग को हाथ लगाया, कभी भी मेरे बैग को हाथ लगाना तो मुझसे बिना पूछे लगाया तो सोच लेना, ठीक है। और पीछे के चार को कह दिया बिल्कुल मुझसे दूर रहना, मेरे बैग से नहीं मुझसे भी दूर रहना बिल्कुल, नहीं नहीं बात समझो, इसी से आप तुरंत समझ जाओगे। तो पीछे के और चार बच्चों से आपने कहा मुझसे, मेरे बैग के मुझसे भी दूर रहना, ठीक। इसका मतलब है, इसको आप समझना अच्छे शब्दों में, कि जब आप बायलेटरल या मल्टीलेटरल, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार करते हो कृष्णा, तो डिपेंड करता है कि आपकी किस कंट्री के साथ सिचुएशन क्या है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बिल्कुल जो एग्जाम्पल है वो करेक्ट है, मतलब वही है करंट में, जैसे कि हमारे मॉरिशस, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, इज़राइल, इनके साथ हमारे संबंध बड़े बढ़िया, खास तौर से मॉरिशस और सिंगापुर के साथ जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, जिसे हम कहते हैं FTA, FTA समझते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इनके साथ हमारा कंप्लीटली कृष्णा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA, मॉरिशस के साथ, सिंगापुर के साथ, वियतनाम के साथ, म्यांमार के साथ, मतलब खास तौर से जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आप ऐसा समझ लीजिए, इनके साथ हमारा बिल्कुल ऐसा व्यापार है। सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, कुछ के साथ हमारा जो है कुछ जो टैरिफ है उसके साथ काम होता है, जैसे अमेरिका साथ भी हमारी बहुत सी चीज़ें फ्री हैं, लेकिन अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, कुछ टैरिफ के साथ काम करता है, ठीक है। और वही वही बात कि तुम तो मेरे बैग नहीं मुझसे भी दूर रहना, तो इस टाइप का कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, हमसे नहीं हमारी सीमाओं से भी कोसों दूर रहना, क्योंकि संबंध उसने हमारे साथ खराब कर लिए हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले पाकिस्तान को हम सार्क के मतलब मेंबर होने के नाते काफ़ी चीज़ें दिया करते थे, काफ़ी डॉलर की मदद किया करते थे, पर अभी नौ पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत ही खटास भरे संबंध है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो हर देश के साथ मैंने क्या बोला कृष्णा, वो जो लोग फॉरेन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो मैं इसमें लिखवाऊंगी आपको कि मतलब 10 कौन से देश है जिनके साथ भारत का व्यापार बहुत अच्छा है, कुछ के साथ ठीक है, कुछ के साथ घाटा भी हमारा, जैसे चाइना के साथ सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है लगभग 40-50% का, वो अकेला चाइना के साथ है, करंट के हिसाब से अभी बजट तक आते आते देखो, है ना, तो लगभग 40-45% का अकेला ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा हमारा अकेला चाइना के साथ है। लेकिन अब उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना से ही आ रही हैं। बट एक्चुअली उसका आंसर अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपका हक बनता है कि मैडम क्यों, पर मैं मैडम हूँ पर सरकार नहीं हूँ, कि मतलब ये बात मुझे आज तक भी समझ में नहीं आई, हम क्यों डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है कि भाई जो हमारे, अब जैसे चाइनीज़ गणेश जी है भाई, वो चाइना से क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं तुम बच्चों को देने के लिए, सीरियसली। अब ये बेंचेस हैं ये चाइना से आ रही है, ये चाइना से क्यों आ रही है मेरे पास इसका भी जवाब नहीं है, क्यों भाई हमारे देश में बेंच, ये सारा चाइनीज़ है, पता ना, ये सारी चीज़ें चाइनीज़ है हमारे यहाँ पर, इस टाइप की जो चीज़ें ना, ये देख लीजिए इसके पीछे भी लिखा हुआ है मेड इन चाइना, देखिए ये देख लीजिए मेड इन जापान, मेड इन चाइना, ये सारी चीज़ें भी, तो क्या ये हम नहीं बना सकते? एग्जैक्टली मुद्दा वही है बस, भारत सरकार एक ही चीज़, अरे तो बेटा प्राइस का डिफरेंस आने दो ना, दिक्कत क्या है, लेकिन वो चीज़ सस्टेनेबल भी तो होंगी, GDP भी तो बढ़ेगी हमारे देश के अंदर, वही तो दिक्कत है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक छोटे से गणेश जी को आप देखिएगा, आपके पास गणेश जी आए, आप चाइनीज गणेश ले लो, 100 रुपए के मिल रहे हैं,
और अपने गणेशा मतलब जो मिट्टी के बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से, तो 350 से कम नहीं है, इतने छोटे से। चाइनीज लाइट पूरी दिवाली में बिकती है, तो क्या हमारे यहाँ लाइट नहीं बनती थी क्या पहले? तो अब चाइनीज लाइट्स आ गई हैं सारी की सारी, तो वही तो दिक्कत है हमारे यहाँ पर। तो मतलब एज अ फैकल्टी भी ना, मैं उसका प्योर आंसर सीरियसली आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो सरकार का मूड है। वो जो बच्चा बोल रहा है वो तो पॉइंट मेरे अंदर भी है कि सरकार का यही कहना है हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाती है, उससे बेटर है कि चाइना से सामान आ जाए, लेकिन फिर आपका ट्रेड डेफिसिट भी तो होता है। तो अगर ट्रेड डेफिसिट से आपको बचना है तो वो चीज़ें आप अपने आप पैदा कीजिए। और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा वो अलग नहीं होगा बेटा, कितना रोजगार देखिए हमारे यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, तो वो भी चीज़ें सोचने के लिए है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है बेटा, आपको आपका आंसर मिल गया। तो वही है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बेटा, किसके साथ हमारा द्विपक्षीय कैसा समझौता है, किसके साथ हमारा टैरिफ पेयर है। तो जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट ये जितने भी क्वेश्चन ना आपके, ये जो एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द सेक्टर होगा मतलब इंडिया होगा, उस टॉपिक में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे सारे, कि डॉलर ही क्यों लेते हैं हम, रुपए की वैल्यू ऐसा क्यों है, डिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो सारे बातों के आंसर आपको उस टॉपिक के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच का गेम है, इकोनॉमी और कुछ नहीं। पहले दिन तो आकर हम बेटा सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते ना, आपको टॉपिक तो सीरियल वाइज ही आगे बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे सीखते चले जाओगे आप, है ना। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये था FTA जो बच्चे ने पूछा था कृष्णा ने। अब देखिए बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ पूछो पूछो बेटा, आराम से पूछो। हाँ देखो बेटा, अगर इन चीज़ों को मैं अभी बताती हूँ ना, दिक्कत वही है बार बार, जैसे कृष्णा ने पूछा ये पूछा, आपको पता जंप करने लग जाएंगी चीज़ें। तभी मैंने क्या बोला, एक बार आप थोड़ा सा जो हमारा विदेशी वाला मतलब फॉरेन सेक्टर वाला टॉपिक है, थोड़ा बेटा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मुझे पता है ऐसे लाखों लाख सवाल है आपके दिल के अंदर, लाखों लाख, कि वो एक ही दिन में क्लियर हो जाए। पर जितना हम जंपिंग करते जाएंगे ना बेटा, तो ये टॉपिक पीछे होते जाएंगे, तो आपको ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता जाएगा। और जैसे जैसे क्लास सीरियल में चलती चली जाएगी, एकदम आपको देखिएगा सारी चीज़ें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, है ना बेटा। ये वही चीज़ हो गई कि ज्योग्राफी में भी आप धीरे धीरे चीज़ों में आगे बढ़ते हो, हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो डायरेक्ट आप सीधा वहाँ नहीं आते हो, मॉडर्न में, हाँ उसमें भी आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आप वहीं से शुरू करता है टीचर, और वो मना भी करता है बेटा मैं अगर उतने आगे बताऊँगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मैथ्स में भी टीचर आपको पहले प्लस और माइनस सिखाता है ना, सीधा आपको ज्योमेट्री पढ़ाएगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बस वही चीज़ है ना, तो एक थोड़ा वेट एंड वॉच है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो अधूरा रह जाए, ये गारंटी मैं दे सकती हूँ बेटा तुमको। ये गारंटी मांगोगी तो ये दे सकती हूँ कि तुम कुछ भी पूछोगे कल को, सारी चीज़ें अभी भी आपको जो लगे वो लिखते जाइए एक जगह पर, कभी पेपर पढ़े कोई चीज़ पढ़े, और आपको लगे टॉपिक में क्लियर होगी तो हो गई, नहीं तो आप मुझसे बराबर सेपरेटली पूछे, आकर क्लास में पूछे, आपको सबका आंसर मिलेगा, है ना। ये गारंटी मैं दे सकती हूँ, ठीक। चलिए अब देखिएगा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट करती है, जैसे हमने बोला उसके भी दो तरीके हो सकते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर पर्टिकुलर तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का तो सीधा सा जो हिसाब किताब है वो ये है कि इफ़ यू कैन परचेज सो परचेज, इफ़ यू कैन नॉट सो कैन नॉट, है ना। तो अगर आप परचेज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो भी ठीक है, लेकिन नहीं, जब सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सरकार ये चीज़ नहीं कहती कि तुम्हारे घर में पानी आया आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, नहीं। सरकार की ड्यूटी बनती है कि एक एक के घर में नल पहुंचाए, सरकार की ड्यूटी बनती है कि एक एक के घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाए। और अगर खाना भी नहीं है, तो अभी जो आपने बात की 80 करोड़ परिवारों की, तो अगर खाना भी नहीं है तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि एक एक के घर में खाना पहुंचाए। लेकिन ये वितरण, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, ये कैसे होगा? मतलब सिर्फ सरकार करे, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करे, या दोनों मिलजुल कर करें? आपका क्या विचार है बताइए। हाँ बेटा मिलजुल कर करें, शाबाश, तुम्हारा क्या विचार है? मिलजुल कर करें, क्या विचार है बेटा? मिलजुल के करें, बताओ बच्चों क्या विचार है आप लोगों का? बच्चों मिलजुल कर ही करना चाहिए, मिलजुल कर करने को ही आप क्या कहते हो बेटा इकोनॉमी में? नहीं, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं बेटा, है ना, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने डिलिबरेटली पूछा, तो इट मीन्स कि वी हैविंग द 3 मॉडल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास वितरण के 3 माध्यम हैं, 3 मॉडल उपलब्ध है हमारे पास। पहला कैपिटलिस्टिक। अब देखिए अगर इकोनॉमी में ये सब नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, मानते हो ना? अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई तो टीचर क्या पढ़ा रहा है बेटे? तो बेसिक है, और इनके माध्यम से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला मॉडल क्या हो सकता है बेटा? 3 मॉडल हो सकते हैं। पहला कैपिटलिस्टिक, एग्जैक्टली जिसे बच्चा बता रहा है, पूंजीवादी, कृष्णा बोल रहा है पूंजीवादी। दूसरा सोशलिस्टिक,
जिसे हम कहते हैं समाजवादी, और तीसरा मॉडल है मिक्स्ड, जिसे हम कहते हैं मिश्रित। ठीक है, अर्थव्यवस्था भी कह सकते हो, प्रारूप भी कह सकते हो, है ना, कुछ भी कह सकते हो। और अकेले अकेले नाम नहीं बेटा, इनके बहुत बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, और बहुत सी चीजें अभी आपको इसके माध्यम से यहाँ पर क्लियर होंगी। इन तीन मॉडल को जब मैं पढ़ाऊंगी, इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं कि आपको मतलब बहुत आश्चर्य होगा, ऐसा लगेगा बहुत कुछ हमें क्लियर हो गया, जहां तक अभी आप मतलब सोच भी नहीं पा रहे थे या बंधे बंधे थे, कुछ समझ में नहीं आता था। एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी, मतलब बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं ना वो यही है बेटा, जिसका जिक्र यूपीएससी कर नहीं रहा है, पर जब वो इंडियन इकोनॉमी वर्ड बोल रहा है ना तो स्मार्टली वो सारी चीजें इसमें वो शामिल कर चुका है। अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा तो उसे बेईमानी कर रहा आपके साथ, चीटिंग कर रहा है, तो ये मुझे पढ़ाना चाहिए, वरना मेरे तो नुकसान ही ना कि मैं इतनी मेहनत आपके पर कर रही हूँ, मेरे तो फायदा है ना कि इंडियन इकोनॉमी के नाम पर मैं बताती इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या, और सीधा प्लानिंग पर आ जाती, मेरे तो फायदेमंद होता बेटा, लेकिन आपके लिए नुकसानदायक होता। और बच्चों ने पहले दिन मुझसे कह दिया था कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनको बेसिक भी क्लियर नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, कुछ बच्चे हैं जो ट्वेल्थ पास भी हैं, तो हमें सबको देखकर यहाँ पर क्लास के अंदर क्लासेस करनी पड़ती है, है ना, सब बच्चों को लेकर, चाहे किसी का लेवल बहुत हाई है चाहे किसी का लेवल लो है, हमें अपने ही लेवल से पढ़ाना पड़ता है ताकि सब बच्चों के लिए वो एक जैसा साबित हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, आज की क्लास मैं यहीं छोड़ रही हूँ, उसका रीज़न भी दे रही हूँ, बिना रीज़न के मैं क्लास नहीं छोड़ती हूँ। एक्चुअली मुझे ना 3 दिन हॉस्पिटल जाना होता है, अमन सर अच्छी तरह नोज वेरी वेल, ठीक है, मैंने बताया हुआ अकेडमी में, आई एम अ डायलिसिस पेशेंट, आप डायलिसिस जानते हैं? ओके ओके, मेरी दोनों किडनी फेल है, तो आई एम अ डायलिसिस पेशेंट, तो जिसके लिए मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, अदरवाइज मैं जिंदा ही नहीं रहूँगी। ठीक है, तो वो 4-4 घंटे का प्रोसेस होता है मेरा, तो मंडे के दिन दिक्कत रहेगी मुझे, 10 मिनट क्लास छोड़ूंगी पहले वेडनेसडे को, और सिर्फ किस दिन, फ्राइडे को। बाकी 2-3 दिन जो हम पढ़ेंगे, आप बोलो कि आधा घंटा एक्स्ट्रा भी पढ़ाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब आप बोलेंगे 2.25 की जगह 2.5 भी पढ़ा दो, तो वो मैं वहाँ एडजस्ट भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इस दिन के लिए बेटा वेरी सॉरी, मैं कहीं भी कोचिंग में पढ़ाती हूँ मैं हमेशा बच्चों को बता देती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा निकलना पड़ा करेगा 2 बजे तक, क्योंकि मुझे बहादुरगढ़ जाना है डायलिसिस कराने, तो बहादुरगढ़ मतलब आप समझ रहे हो बहुत दूर है, हाँ, यहाँ से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से इंद्रलोक, और इंद्रलोक से पूरा 50 मिनट का बहादुरगढ़, ठीक है, तो वो मेरे को टाइम लगेगा, है ना। ठीक है बेटा, तो इसके लिए कोई बहाना नहीं है, कल जैसे हमारी क्लास होगी कल हम इसी क्लास को 15 मिनट ज़्यादा कर देंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे, जैसे कल आप ब्रेक भी ले लेना, खा पी भी लेना, जैसे आज आप लोग भूखे बैठे थे, तो कल चाय वाय पी के आप 12:20 तक भी आ जाओगे ना, तो अपन 12:20 से भी क्लास शुरू कर लेंगे, है ना, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, बस इतना है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा इस सपोर्ट के लिए, रियली थैंक यू सो मच। ठीक है, झूठ बोलो उससे अच्छा सच बोल दो, वो ज़्यादा बेटर है ना। अच्छा, बाकी तुम लोग को समझ में तो आ रहा है बेटा? बहुत मजा आएगा, 2-4 दिन रुको, शुरू का इकोनॉमी है, सब पिक्चर क्लियर होगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा सब कुछ। ठीक है, ठीक है कृष्णा, ठंड लग रही, ठंड तो आई है यार, सच में तुम लोग भी सर को हीटर ले कह दो, हाँ हाँ सारी अकेडमीज में हीटर होते हैं, हम जहाँ भी पढ़ा रहे हैं सब जगह हीटर है। पहले टीचर को पानी तो दिला दो, तुमको चाय की पड़ी है कृष्णा, अब पानी दिला दो, पानी कहाँ आया बताओ। अच्छा वो रखी है, अरे तुम लोग मजे ले रहे हो मेरी बॉटल की, नहीं बेटा है Thank you.
लगा हुआ है।